चलिए दोस्तों, तो आज से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हमारा नया चैप्टर है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। हमारा नया चैप्टर है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मुद्दे की बात करें तो एग्जाम में इसका 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, और ऐसा स्टूडेंट्स मानते हैं कि यह एक स्कोरिंग चैप्टर है। ओके, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस दो तरीके से आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। एक होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ और दूसरी होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। क्या फर्क समझते हैं? ऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है कि खुद के एफर्ट्स लगाकर ग्रो करना, यानी कि अपनी सेल्स टीम बनाना, अपने कस्टमर्स बनाना, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर करना, अपने कस्टमर्स बढ़ाना, राइट? और इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है कि खुद से कुछ खास मेहनत नहीं करना, अपने आप में किसी एक कंपनी को उठाकर मर्ज कर लेना, किसी एक कंपनी को उठाकर टेक ओवर कर लेना, एक्वायर कर लेना। ऐसे करने से हमारा सेल्स प्लस उस कंपनी का सेल्स मिलाकर ज्यादा सेल्स हो जाता है, एंड इट इज अगेन कॉल्ड एज अ ग्रोथ। बट व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ इज इट? इट इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ, राइट? एक होती है दोस्तों ऑर्गेनिक ग्रोथ और एक होती है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। यहां पर हम कौन सी तरह की ग्रोथ के बारे में पढ़ने वाले हैं? इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में आपने आज की दुनिया में कुछ रीसेंट एक्विजिशंस सुने होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोटक बैंक एक्वायर्ड, INGVS, राइट? टाटा मोटर्स सम ईयर्स बैक एक्वायर्ड, जगुआर लैंड रोवर, राइट? ओके, या फिर उसके पहले आपने सुना होगा कि टाटा स्टील ने कोरेस को एक्वायर किया था, जो कि हमारे भारत की के इतिहास में एक बहुत बड़ा एक्विजिशन था, राइट? ओके, ये जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की दुनिया है ना, ये आज की तारीख में बहुत ही हैपनिंग दुनिया है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बहुत ही हैपनिंग दुनिया है। अगर आपको सबसे ज्यादा पैकेज FM की फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में, अगर सबसे ज्यादा पैकेज किसी फील्ड में मिलता है ना, तो वो एग्जैक्टली कौन सी फील्ड है पता है? मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। माय क्वेश्चन टू यू इज कि ये जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील है, ये आखिर करवाते कौन लोग होंगे? मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एक कंपनी खुद से किसी दूसरी कंपनी को अप्रोच करती होगी, या कुछ इंटरमीडिएट पार्टीज इसमें एक्ट करती होंगे, कुछ इंटरमीडियरीज यहां पर एक्ट कर। ये कौन होती है इंटरमीडियरीज? कौन कौन करता है एज एन इंटरमीडियरी एक्ट? जैसे अपन प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, तो अपन प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर मुझे एक प्लॉट खरीदना है तो मैं क्या करूंगा? मैं एक ब्रोकर के पास जाऊंगा कि मुझे प्लॉट खरीदना है, जिसको आइडिया रहेगा कि ये रहे 10 प्लॉट्स इस कॉलोनी में, इसमें इसका रेट ये है, इसका रेट ये है, आपके हिसाब से ये प्लॉट ज्यादा अच्छा है, बैठक होती है, बात होती है, बोलो यस। तो कंपनी, हाँ जी, प्लॉट तो एक्वायर करते हैं हमें ब्रोकर्स, प्लॉट तो एक्वायर करवाते हैं हमें ब्रोकर्स, ये कंपनीज के एक्विजिशंस मर्जर्स ये कौन लोग करवाते होंगे? वही ब्रोकर शर्मा जी वर्मा जी रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदवाते रहते हैं, जैगुआर लैंड रोवर वही खरीदवा देते हैं क्या? तो दोस्तों आखिर ये इंटरमीडियरी पार्टीज कौन सी होती है? क्या कभी आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग नाम सुना है? यस, ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ही एक्ट करती हैं एज एन इंटरमीडियरीज इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील। इंटरमीडियरीज यानी कुछ नाम बता सकते हैं आप फर्म्स के? जैसे शायद गोल्डमैन सैच, अगर आपने नाम सुना हो, क्रेडिट स्विस, वेरी गुड, बारक्लेस, JP Morgan चेस, मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, कोटक महिंद्रा बैंक, राइट? ये सब क्या है? ये सब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी हैं, यानी कोटक बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी है, राइट? ये सब होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, राइट? वापस से मैं बोलूँ, नाम मैंने क्या क्या बोले थे? मैंने नाम बोला था गोल्डमैन सैच, नाम तो सुना होगा, बोलो यार। ओके, गोल्डमैन सैच आपने नाम बताया था, क्रेडिट स्विस, क्रेडिट स्विस एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसके लिए मैं खुद भी काम कर चुका हूँ व्हेन आई वाज इन मुंबई, क्रेडिट स्विस। फिर इसके बाद बारक्लेज, एंड देन JP Morgan चेज,
मॉर्गन स्टैनली, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब क्या है? ये सब इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, राइट? आपको पता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड में बहुत ही रिगरस मेहनत करनी पड़ती है. सबसे ज्यादा जो आवर्स देने पड़ते हैं एक एम्प्लॉय को, सबसे ज्यादा आवर्स जो देने पड़ते हैं एक एम्प्लॉय को, वो देने पड़ते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड में. उसके पीछे कारण समझे क्यों इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड में इतना सारा पैसा है और क्यों इसमें यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट. सबसे पहले ये बात समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड में आखिर पैसा कितना है. दोस्तों अगर एक प्लॉट, अगर आप एक प्लॉट आज की तारीख में खरीदने में जाते हैं तो एक प्लॉट लगभग 50 लाख से 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए का आता है एनीवेयर, है ना? ओके, एज्यूमिंग कि एक प्लॉट आता है 1 करोड़ रुपए का, ब्रोकर शर्मा जी कितना परसेंट ब्रोकरेज चार्ज करते हैं प्लॉट के लिए? 2%. यानी वो 1 करोड़ के प्लॉट पर कितना परसेंट तो वो कमा लेते हैं? 2 लाख रुपए वो कमा लेते हैं. यानी उन्होंने अगर कुछ भी नहीं करा, महीने भर में सिर्फ एक प्लॉट की डील भी करवा दी ना, तो उनका काम हो जाता है, राइट? ओके, क्या आप समझ रहे हैं कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में हम प्लॉट की डील नहीं करवा रहे, हम एक पूरी की पूरी कंपनी जिसकी काफी सारी जमीन है, काफी सारी बिल्डिंग्स है, काफी सारी एसेट्स है, काफी सारा क्लाइंटेल है, नेटवर्क है, सप्लायर्स का नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी डील करवा रहे हैं, उसका वैल्यूएशन हजारों करोड़ में जाता है. बहुत ही छोटी बात कर रहा हूं, 1000 करोड़, वैसे 1000 करोड़ से ऊपर ही होती काम नहीं, 1000 करोड़. अगर इस 1000 करोड़ की डील में आपको 2% मिल जाए तो 1000 करोड़ का 2% होता है 20 करोड़, और 20 करोड़ की डील करवाने में अगर 5 एम्प्लॉयज लगे हैं कंपनी के तो पर एम्प्लॉय 4 करोड़ का फायदा होता है कंपनी को सिर्फ एक डील से. साल भर में सिर्फ एक डील नहीं होती, साल भर में एक एम्प्लॉय काफी सारी डील्स पर, मल्टीपल डील्स पर एट द सेम टाइम वो काम करता है. और हाँ, फिर जिस डील को उसे फाइनलाइज करना होता है उस डील पर उसे असाइन कर दिया जाता है. अगर मैं दुनिया के कुछ बड़े बड़े एक्विजिशन की बात करूं, वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट एक्विजिशन की बात करूं, तो वोडाफोन, वोडाफोन नाम तो सुना होगा, वोडाफोन, राइट? वोडाफोन कंपनी ने एक्वायर किया था मेनेसमैन कंपनी को. वोडाफोन कंपनी ने एक्वायर किया था मेनेसमैन कंपनी को. मैं यहां पर नाम भी लिख रहा हूं, वोडाफोन एक्वायर्ड मैनेजमेंट एजी. ये एजी यानी जैसे हमारी कंपनीज के आगे लिमिटेड लगता है, लिमिटेड लगाते ना अपन, अमेरिकन कंपनीज के आगे, बताऊं आपको सब पता है, इनकॉर्पोरेशन लगता है अमेरिकन कंपनीज के आगे, इनकॉर्पोरेशन लगता है यूके कंपनीज के आगे, पीएलसी लगता है, पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी. वैसे ही जो जर्मन कंपनीज होती है उनकी कंपनीज के आगे एजी लगता है. सो मैनेजमेंट वाज अ जर्मन कंपनी व्हिच वाज एक्वायर्ड बाय वोडाफोन. और इस डील का साइज था, और इस डील का साइज था $207 बिलियन, $207 बिलियन की थी ये डील, $207 बिलियन की थी ये डील. समझना मैं आपसे चाह रहा हूं कि $207 बिलियन आखिर कितने होते हैं. एक काम करें, $207 बिलियन आखिर कितने होते हैं? ओके, $207 बिलियन आखिर कितने होते हैं, उससे पहले आप मुझे बताएं कि 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना? 10 लाख? कितने करोड़? 100 करोड़? 1000 करोड़? 10,000 करोड़? 10,000 करोड़? 10,000 करोड़ एक. Okay. हाँ, तो क्या 1 बिलियन यानी 10 लाख होता है, 10 करोड़ होता है, 10 करोड़, ओके, 100 करोड़, 1000 करोड़, ओके ओके ओके. तो एक मिनट, आज समझ ही लें आखिर मिलियन और बिलियन की दुनिया क्या है. ऐसा इसलिए क्योंकि सीए फाइनल का काफी सारा सिलेबस मिलियन और बिलियन पर चलता है, क्योंकि हमारे काफी सारे चैप्टर्स हैं जिसमें हम फॉरेन के बारे में बात करते हैं, राइट? जैसे एक चैप्टर तो प्योर उसका नाम ही क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, राइट? जिसमें खेल ही सारा मिलियन बिलियन डॉलर में चलेगा. समझ लें दोस्तों, मिलियन आखिर कितना होता है और बिलियन आखिर कितना होता है. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, एंड 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़, एंड 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़. अब ये ऐसे रटवाने से आपको याद थोड़ी ना होगा, आप एक महीने बाद फिर से भूल जाओगे, राइट? ओके, तो आप ऐसा समझें इसको, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं. इंडिया,
इंडिया में देखना क्या होता है? और अमेरिका में क्या होता है? राइट ओके क्या आपको कॉमा क्यों लगाते हैं उसका सिग्निफिकेंस पता है कि ये ऐसे ही लगा देते हैं? एक मिनट, कॉमा तो लगता है, ये क्यों लगाते हैं आपको पता है? ये जो कॉमा लगता है ना, ये हर उस नंबर के बाद लगता है जब यूनिट चेंज हो जाती है। जैसे इसे हम क्या कहते हैं? थाउजेंड्स, तो इसे हम क्या कहते हैं? लैक्स, तो इसे हम फिर क्या कह देते हैं? बोलो, करोड़। क्या आपको कॉमा लगाने का सिग्निफिकेंस पता है? ठीक उसी तरीके से ये जो होता है, ये क्या होता है? थाउजेंड्स। ये क्या होता है? मिलियंस। राइट ओके तो अगर आपको कोई पूछे कि 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना, तो हम बोलेंगे 1000, 10,000, लैख, 10 लैख, यानी 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना? 10 लैक्स। राइट ओके और वापस से अगर आप 3 जीरो लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? बिलियन। इज दैट क्लियर? बोलो ओके सो 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लैक्स। अभी आपको ऐसा लॉजिकली समझ में आ रहा है कि क्यों 10 लैक्स? रटने जैसा तो नहीं लग रहा है। और 1 बिलियन इक्वल्स टू कितना? अब ये कितना होता होगा यार, एक मिनट, 10 लाख तो यहां तक हो गए थे। 10 लाख के बाद ये जीरो और काउंट कर लिया तो 1 करोड़, ये जीरो और काउंट कर लिया तो 10 करोड़, और ये जीरो और काउंट कर लिया तो 100 करोड़। 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़। राइट अच्छा, दुनिया यहीं पर खत्म होती है मिलियन बिलियन की, या इससे भी आगे जाती है? इससे भी आगे जाती है। अब आप समझ रहे क्या मुझे बताने की जरूरत है अब आपको? नहीं, ये 3 जीरो और लगा दिए दोस्तों, क्या बन जाता है? वो बन जाता है ट्रिलियन। राइट और ट्रिलियन यानी बहुत सारा, बहुत बड़ा नंबर। देखना कैसे, 100 करोड़ तो यहीं तक हो गए थे, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, यानी कि 1 ट्रिलियन। इज दैट क्लियर? क्या लॉजिकली क्लियर होता है? अभी आपको कोई पूछ ले यार कॉमा क्यों लगाते हैं, नहीं लगाते हैं 3-3 जीरो के पहले, क्यों लगाते हैं? नहीं बस लगाते हैं 3-3 जीरो के पहले। राइट वो उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हर 3-3 जीरो के बाद अमेरिका में यूनिट चेंज होती है। हमारे यहां पर क्यों 2-2 जीरो के बाद लगाते हैं? क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, हर 2-2 जीरो के बाद इधर यूनिट चेंज होती है। इज दैट क्लियर? हाँ तो आ जाइए अपने टॉपिक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस पर। 1 बिलियन इक्वल्स टू कितना? 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़। राइट ओके कैलकुलेटर आपको यूज करना पड़ेगा। 1 बिलियन यानी 100 करोड़, तो 207 बिलियन यानी कितने करोड़? 20,700 करोड़। डील साइज कितनी? 20,700 करोड़। और आगे क्या लगा हुआ है? और $1 इज इक्वल टू, मैं 66 मान लू आज की तारीख में, ओके तो आप क्या करेंगे? 20,700 करोड़, 20,700 करोड़ का मल्टीप्लाई कर दीजिए 66 के, 10 लाख, 11 लाख, 13 लाख, 66,000 और आगे करोड़, है ना? यानी मैं रफली बोलूं इसको तो 13 लाख करोड़। कितने? 13 लाख करोड़। यानी अब अगर आप इसे पूरा कैलकुलेटर में लिखना भी चाहेंगे ना तो लिख नहीं पाएंगे। 13 लाख करोड़ इस डील की साइज थी। और इस डील का अगर आधा परसेंट भी इन्वेस्टमेंट बैंक को इन दी फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज कमीशन मिल जाए, तो आप समझते हैं दैट अगेन रन्स इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज। और जब एक कंपनी इस डील में थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज कमाएगी तो डेफिनेटली वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छा खासा पे पैकेज देगी। राइट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की जो सैलरी होती है ना, उसमें फिक्स कंपोनेंट बहुत कम होता है और वेरिएबल कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है। यानी अगर एक एम्प्लॉय इंडिया में है जिसका 50 लाख का पैकेज है, तो उसका 20 लाख का पैकेज तो होगा फिक्स, और बाकी ऊपर का 30 लाख पूरी तरह से किस पर बेस्ड होगा? परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगा, परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस होता है। राइट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का पैकेज का यही रेशियो रहता है, जो वेरिएबल कंपोनेंट रहता है वो फिक्स से ज्यादा रहता है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस यानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में ऑन एन एवरेज आपको 15 घंटे डेली काम करना पड़ता है, ऑन एन एवरेज 15 घंटे डेली। उसके पीछे कारण समझें क्यों। जैसे ही मुझे पता चल गया कि टाटा मोटर्स एक कंपनी को खरीदने की फिराक में बैठा है, क्या मैं एक अकेला इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं या मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं? मैं अप्रोच करूंगा टाटा मोटर्स को, वो भी अप्रोच करेंगे टाटा मोटर्स को, और डील अल्टीमेटली हम में से किसी न किसी एक के थ्रू होनी है।
हम में से जो जल्दी 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 प्रोसेस करेगा उस डील को, जितनी जल्दी जल्दी बातचीत करवाएगा, वो इस करोड़ों डॉलर की डील को लेकर जाएगा। तो इसीलिए एम्प्लॉइज जो होते हैं वो दिन में 12, 15, 18 घंटे काम करते हैं, क्योंकि अगर वो लेट हो गए तो फिर डील कोई दूसरा लेकर चला जाएगा। राइट, मोस्ट हैपनिंग फील्ड है इन दी वर्ल्ड। लोगों का ड्रीम होता है कि फाइनेंस की दुनिया में अगर हूं तो मैं इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए काम करूं। ये इन्वेस्टमेंट बैंक एम्प्लॉइज किसको रखती होगी? ये लगा दो अपना नाम हर जगह पर। किसी ने सच्चाई बोली, एमबीएस को लिया जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड में। और एमबीएस भी कौन से, जो टॉप नॉच कॉलेज से एमबीए किए हुए हैं और जो एक्सपीरियंस है उनको रखा जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। इसके पीछे आप कारण समझें, अगर मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं तो मुझे बात करनी है टाटा मोटर्स के सीईओ से जाकर, क्योंकि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस रील है, वहां का कोई डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर से मेरी बात नहीं होगी, सीधे मेरी किससे, टॉप जो 5 ऑफिशियल्स हैं टाटा मोटर्स के उनसे बात होगी। फिर मैं जाऊंगा जगुआर कंपनी के पास, वहां के भी टॉप 5 ऑफिशियल से मैं बात करूंगा। तो क्या आप मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, आपकी कन्विंसिंग स्किल्स एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, आपको कन्विंस करते आना चाहिए? एक मिनट, आप पता है किन लोगों को कन्विंस कर रहे हो? एक तो आप टाटा मोटर्स के सीईओ को कन्विंस कर रहे हो जो ऑलरेडी पूरी दुनिया देखा हुआ है, आप जगुआर के मैनेजमेंट को कन्विंस कर रहे हो जिन्होंने भी पूरी दुनिया देखी, उनको अब आप कन्विंस कर रहे हो। कन्विंस देखना कैसे करते हैं, टाटा मोटर्स को हम जाकर बोलते हैं कि आपके लिए जो बेस्ट टारगेट कंपनी है वो है जगुआर, और जगुआर को बोलते हैं कि आपके लिए बेस्ट एक्वायरिंग कंपनी है टाटा मोटर्स। जगुआर को देखना हम जाकर क्या समझाएंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, टिपिकल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया कैसे चलती है। मैं और मेरे दो लोग और साथी, हम तीन लोग जाएंगे टाटा, हम लोग जाएंगे जगुआर के मैनेजमेंट को, हम अप्रोच करेंगे, उनके साथ हम मीटिंग फिक्स करेंगे और उनको देखना मीटिंग में हम कैसे पिच करेंगे। हम बोलेंगे सर आपका सेल्स हमने देखा पिछले 2-3 साल से डाउन जा रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो आ रही है उसको लेकर कुछ कंप्लेंट्स आ रही है, काफ़ी सारी दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं जैसे ऑडी है, मर्सिडीज है, वो मार्केट कैप्चर करते जा रहे हैं और आपके जो प्रॉफिट्स हैं ना वो अभी उतने नहीं आ रहे जितने अदरवाइज होने चाहिए, और इस बिजनेस में सर दम ही नहीं रह गया है, कार मैन्युफैक्चरिंग में, लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग में हर कोई उतर चुका है, और हमारा ऐसा एनालिसिस है कि आगे जाकर वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसकी परफॉर्मेंस पुअर रहेगी, और जब भी परफॉर्मेंस पुअर होती है तो लग्जरी गुड्स जो होते हैं उनका सेल्स डाउन होता है। तो सर आगे कुछ खास फ्यूचर इस कंपनी का नजर नहीं आ रहा है, और इसके सपोर्ट में वो 5-7-8 ऐसे पॉइंट्स बोलते हैं जिससे कि जगुआर के मैनेजमेंट को क्या लगता है कि हाँ अभी इस बिजनेस में दम नहीं, दे आर नाउ कन्विंस्ड। मतलब ये मैंने बहुत ब्रीफ बोला है, वो लोग इसको पूरी तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर और तीन लोग उनको मिलकर कन्विंस करते हैं। जगुआर को कन्विंस कर दिया कि इस बिजनेस में दम नहीं, आप इस बिजनेस को बेच दो, कोई मतलब नहीं निकला। फिर मैं जाऊंगा फ्लाइट चढ़कर टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट के पास, उनके साथ मीटिंग फिक्स करूंगा, सर आप कहां टाटा मोटर्स, आप क्यों ट्रक बनाते हो, ट्रक में कोई खास मार्जिन होता है क्या, आप ये कहां टाटा नैनो कार ले आए, 1 लाख में बिकती है, कितने 4-5 हजार रुपए कमाते हो एक कार पर, पसीना आ जाता है 4-5 हजार रुपए एक कार को बेचने में, छोटी छोटी कार आप बनाते हो, लेट्स एंटर इनटू लग्जरी सेगमेंट। लग्जरी सेगमेंट में एक कार बिकेगी 25 लाख 50 लाख की, आप जब 25 टाटा नैनो बेचोगे तो आप 2-2, 4-4 हजार कमाकर मुश्किल से 30-40-50 हजार रुपए इकट्ठे करोगे। क्यों क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत, एक लग्जरी कार बेचो वो 25 लाख में बिकेगी, उसमें आपका प्रॉफिट ही सीधे 2-3 लाख रुपए होगा, आपकी ब्रांडिंग होगी, इमेज इंप्रूव होगा, आपका कार का पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्स हो जाएगा, यानी आप बेसिक सेगमेंट से लेकर लग्जरी सेगमेंट तक पहुंच जाओगे, और क्योंकि आप लग्जरी सेगमेंट में आओगे तो कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक सेल्स में भी जो बेसिक मॉडल्स है उनमें भी इंप्रूवमेंट होगा। और अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हम खुद से लग्जरी कार डिजाइन करके बेचना शुरू करेंगे तो भूल जाओ, आपको बरसों निकल जाएंगे, आप कहां ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू को, फेरारी को आप कंपीट करोगे। उसकी बजाय अगर आप इस सेगमेंट में आना चाहते हो, ये सेगमेंट आज की तारीख में खूब चलेगा,
इस सेगमेंट में अगर आप आने चाहते हो तो आपको किसी न किसी कंपनी को एक्वायर करके ही उसकी जो ब्रांड है उसको आपको यूज करना पड़ेगा, अचानक से आप ऊपर आ जाओगे। टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट को ऐसे काफी सारे पॉइंट्स पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताया जाता है जिससे वो कन्विंस होते हैं कि हाँ हमें जगुआर लैंड रोवर को खरीद लेना चाहिए। टाटा मोटर्स को क्या कन्विंस करा कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसे एक्वायर कर लो। जगुआर लैंड रोवर को क्या कन्विंस किया कि ये जो बिजनेस है ये बेकार है, इसमें कोई मतलब नहीं है, आप इसे बेच दो। समझ रहे हो, इंसान वही है लेकिन दो अलग अलग जगह पर जाकर ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बोल रहा है जिससे दोनों कन्विंस हो रहे। एक मिनट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया से बाहर आकर प्रॉपर्टी की डील पर आओ। प्रॉपर्टी की डील में भी ऐसे ही होता है, प्रॉपर्टी की डील में ऐसे ही होता है। मैंने बोला कि मुझे, मेरा एक प्लॉट रखा हुआ है कॉलोनी में, वो मुझे बेचना है। सर कोई मार्केट वार्केट में दम नहीं, आपका प्लॉट जो है वो 10,000 स्क्वायर फीट आप बोल रहे हो रेट, 8,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा कोई देने का नहीं, मार्केट में मंदी छे कोई खरीदने वाला नहीं। 8,000 स्क्वायर फीट में अगर बोलो तो एक पार्टी तैयार है, उससे बात करेंगे। और सर बेच दो ये वाला प्लॉट इस कॉलोनी में, अभी बगल में यहाँ पर कोई सी ऐसी शॉप खुलने वाली है, सामने एक स्कूल खुल जाएगा जिससे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होगा, और कोई मतलब नहीं आपका प्लॉट, उसके बाद कोई लेने वाला भी नहीं मिलेगा, और ऑलरेडी जो भाव बढ़ने थे वो सब बढ़ चुके हैं। अब इसमें और कोई प्रॉपर्टी के मार्केट में कोई प्रोग्रेस नहीं है, उसकी बजाय तो इधर से पैसा निकालो और शहर के बाहर मैं आपको एक प्लॉट दिलवाता हूँ, वहां पैसा डबल होगा। वो आपको पता है क्या कन्विंस कर रहा है कि आपके पास जो प्लॉट रखा हुआ है उसमें कोई दम नहीं है। अगर यही आप उसको बोलते मुझे इस कॉलोनी में प्लॉट खरीदना है, सर ये बेस्ट कॉलोनी है रहने के हिसाब से, यहाँ ये बहुत ही पॉश लोकेलिटी है राइट, और यहां पर आपको नजदीक में ही स्कूल मिलेगा। एक मिनट, वो स्कूल जो कल तक डिस्टरबेंस कर रहा था आज वो आपको, आपका बच्चा सामने ही स्कूल, ये सामने स्कूल और ये सामने आप, बच्चा थकेगा नहीं, आधे पौन घंटे उसे बस में ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा एंड सो ऑन। और सर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर दो, ये प्लॉट सोना है, ये जो प्लॉट है ये आपको 10,000 रुपए स्क्वायर फीट में मिल जाएगा और 2-3 साल में तो ये 15,000 की चीज हो जाएगी, और 5 साल बाद तो अपन कह ही नहीं सकते कितने का हो जाएगा, और यही एकमात्र प्लॉट अवेलेबल है इस कॉलोनी में, बाकी प्लॉट सारे जा चुके हैं और जिनके पास है वो बेचना नहीं चाहते, आपको चाहिए तो ये मौके का प्लॉट है, आप इसे खरीद। समझ रहे हो, ब्रोकर एक लेकिन दोनों को कैसे कन्विंस करता है। तो वो जो छोटे लेवल पर शर्मा जी वर्मा जी करते हैं ना, वो आपको बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर करना है, और बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको दो रिटेल इन्वेस्टर को कन्विंस नहीं करना है, आपको दो ऐसे पार्टीज को कन्विंस करना है, टॉप मैनेजमेंट ऑफ टाटा मोटर्स एंड टॉप मैनेजमेंट ऑफ जगुआर, जो दुनिया चला रहे हैं आपको उन्हें जाकर चलाना है। तो योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी परफेक्ट, योर कन्विंसिंग स्किल्स शुड बी परफेक्ट, योर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी प्रिसाइज, योर नेगोशिएशन स्किल्स शुड बी वेरी परफेक्ट। और ये जो क्वालिटीज होती है नॉर्मली ये एमबीए पढ़ाते वक्त, एमबीए पढ़ाते वक्त ये क्वालिटीज उनमें डाली जाती है। तो सर क्या सीए का कोई स्कोप नहीं इन्वेस्टमेंट? हाँ सीए का स्कोप है, पर नॉर्मली सीए को 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो एंटरटेन करती है। अगर आप सीधे इन्वेस्टमेंट बैंक में अप्लाई करोगे तो फिर वो आपको एंटरटेन नहीं करते एज अ फ्रेशर। एक मिनट, अगेन जो मैं बोल रहा हूं ना वो मैं फ्रंट ऑफिस जॉब के लिए बोल रहा हूं, फ्रंट ऑफिस जॉब यानी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना राइट। अगर आप बैक ऑफिस जॉब की बात करेंगे तो हाँ फिर फ्रेशर सीए को भी ले लिया जाता है, क्योंकि बैकएंड में ये सारे स्किल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन हाँ बैकएंड में यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट इन कैलकुलेशंस एक्सेट्रा राइट। तो वो कैलकुलेशंस एक्सेट्रा में क्योंकि हमें महारत हासिल होती है इसलिए बैक ऑफिस में हमें इजीली जॉब मिल जाती, बैक ऑफिस जॉब भी बहुत अच्छा होता है, वहां पर भी कॉम्पेंसेशन पे पैकेजेस बहुत ही अच्छे मिलते हैं। और एक बार आपने 3-4 साल बैक ऑफिस में काम किया और अपने आपको आपने प्रूव कर दिया तो फिर वो आपको फ्रंट ऑफिस में लेकर आ जाते हैं, और फ्रंट ऑफिस जॉब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इज द मोस्ट क्रीमेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा क्रीम जॉब ही क्या होता है इन्वेस्टमेंट बैंक का फ्रंट ऑफिस, क्योंकि इससे ऊंची कोई चीज ही नहीं दुनिया, इससे ऊंची कोई चीज ही नहीं है राइट। ऑडिट, ऑडिट अकाउंट्स राइट। ओके चलिए, तो दोस्तों मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में मैंने आपको बताया कि जो डील की साइज होती है दैट रन्स इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड्स, और उसका जब परसेंटेज आपको कमीशन मिलता है तो वो भी हजारों करोड़, और उसी अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज की सैलरी भी मिलती है राइट। ओके अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो फील्ड है इसमें हमें हमारे सिलेबस में एग्जैक्टली क्या समझना है राइट। ये जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील होती है राइट,
इसका डील एनालिसिस करना, हमें इसका डील एनालिसिस करना कवर्ड है हमारे सिलेबस में, राइट? यानी इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो आखिर वो किस रेशियो पर एक्वायर करे, व्हाट शुड बी दी स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील, क्योंकि अगर आपने गलती से ज्यादा स्वैप रेशियो डिसाइड कर लिया, यानी आपने ज्यादा शेयर्स इश्यू कर दिए, तो आपको बहुत बड़ी कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाती है, राइट? तो इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इज स्वैप रेशियो। तो पहली चीज जो हमें हमारे सिलेबस में सीखनी है वो ये है, हाउ डू इन्वेस्टमेंट बैंक्स डिसाइड दी स्वैप रेशियो, हाउ डू टू कंपनीज एक्वायर एंड टारगेट डिसाइड अपॉन दी स्वैप रेशियो। पहली चीज दोस्तों, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, हाउ टू डिसाइड दी स्वैप रेशियो। दूसरी चीज हमें सीखनी है, वॉट एवर बी दी स्वैप रेशियो, यानी जो भी स्वैप रेशियो डिसाइड हो जाए, या अगर कैश डील डिसाइड हो जाए, तो इस डील से क्या एक्वायरर को फायदा है या नहीं है, क्या टारगेट को फायदा है या नहीं है। अगर फायदा है तो कितने का, और नुकसान है तो कितने का, उसका कंप्यूटेशन हमें करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप टाटा मोटर्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपको इस डील में टाटा मोटर्स अपनी साइड से रखता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टाटा मोटर्स के एंगल से ये जो डील हो रही है वो टाटा मोटर्स के लिए फायदे का सौदा है या नहीं। सिमिलरली, अगर आप जैगुआर की तरफ से इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपको देखना पड़ेगा जैगुआर के एंगल से ये डील फायदेमंद है या नहीं है, राइट? अगर फायदेमंद होगी तो ही डील आगे एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो हम रिपोर्ट में क्या लिखेंगे कि ये जो डील है ये फायदे का सौदा नहीं, या तो इस डील की टर्म्स चेंज की जाए या फिर ये डील नामंजूर की जाए, राइट? तो दोस्तों, दो चीजें मुख्यतः हमारे इस चैप्टर में कवर्ड है। पहली चीज तो ये, हाउ टू डिसाइड अपॉन दी स्वैप रेशियो, एंड सेकेंड इज गिवन दी स्वैप रेशियो और गिवन दी कैश अमाउंट दैट एक्वायरर विल पे टू दी टारगेट, इज दिस डील बेनिफिशियल टू दी एक्वायरर कंपनी एंड टू दी टारगेट कंपनी। ये दो चीजें हमारे सिलेबस में कवर्ड। एक और दोस्तों तीसरी चीज कवर्ड है, लेकिन वो हम इस चैप्टर में कवर नहीं करते हैं, बिजनेस वैल्यूएशन। अल्टीमेटली जब आप स्वैप रेशियो डिसाइड करते हो, तो उसके लिए आपको क्या डिसाइड करना पड़ता है, बिजनेस वैल्यूएशन, राइट? तो बिजनेस वैल्यूएशन हम एज अ सेपरेट टॉपिक पढ़ते हैं। यहां पर जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें बिजनेस वैल्यूएशन ऑलरेडी दिया हुआ, उसमें बिजनेस वैल्यूएशन ऑलरेडी ही दिया हुआ होगा, तो आपको उसमें उलझने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी, राइट? यानी तीन ऑब्जेक्टिव्स अल्टीमेटली हैं पूरे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और बिजनेस वैल्यूएशन के, जिसमें से दो ऑब्जेक्टिव्स हम यहां पर कवर करेंगे, एक तो स्वैप रेशियो से रिलेटेड और दूसरा फायदे या फिर नुकसान से रिलेटेड। लिखें दोस्तों हम इस चैप्टर का, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आखिर क्या है। ओके, सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सो आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न अबाउट बिजनेस वैल्यूएशन जो है वो हम सेपरेटली, बिजनेस वैल्यूएशन जो है वो हम सेपरेटली कवर करते हैं, बिजनेस वैल्यूएशन जो है वो हम सेपरेटली कवर करते हैं। ओके, अब ये कैलकुलेशंस में तो मैं आपको सब परफेक्ट कर ही दूंगा, है ना? लेकिन एक बात समझो, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो ना, तो इंटरव्यू में कैलकुलेशंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंटरव्यू में कभी भी कैलकुलेटेड सवाल नहीं पूछा जाता है ना? इंटरव्यू में लैंग्वेज वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए जिस भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का आपको एक फेयर इनफ आइडिया होना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ का भी, राइट? तो इसलिए मैं आपको दो तीन टास्क देना चाहूंगा। पहले वो मैं दो तीन टास्क बोल रहा हूँ, आप में से जो लोग वो करने की इच्छा रखते हैं उसे नोट डाउन भी कर लेना।
एक तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि टॉप 10 इन्वेस्टमेंट बैंक्स आखिर दुनिया की टॉप 10 इन्वेस्टमेंट बैंक्स कौन सी हैं, उनके नाम आपको ढूंढकर लेकर आने हैं। टॉप 10 इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन दी वर्ल्ड, इनके 10 10 नाम आपको ढूंढकर आने हैं। टॉप 10 इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन द वर्ल्ड, इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में कौन कौन सी फर्म है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की फील्ड में ऑपरेट कर रही है। यानी आप कभी किसी मुंबई या दिल्ली के कैंडिडेट के साथ इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप अपने आप को छोटा नहीं पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली मुंबई एक ऐसी जगह है जो कि फाइनेंस हब है हमारे देश का, तो वहां ज्यादा एक्सपोजर रहता है इन चीजों का। वो एक्सपोजर डेफिनेटली क्योंकि आप उस प्लेस पर नहीं हो, लेकिन फिर भी इंदौर में बैठे बैठे मैं आपको एक्सपोजर दे सकता हूँ, उसके लिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, आपको टॉप 10 M&A डील्स पता करके लानी है, टॉप 10 मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील पता करके लानी है। टॉप 10 मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील आपको पता करके लानी है कि दुनिया में टॉप 10 मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कौन से हुए होंगे। डेफिनेटली उसमें से जो सबसे बड़ा मर्जर हुआ वो तो मैंने ही आपको बता दिया है। टॉप 10 दुनिया के मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील कौन कौन सी, वो आपको पता करके लानी है, राइट। इससे आपको पता चलेगा कि दुनिया जो है वो रिलायंस, टाटा, बिरला से भी ज्यादा है। यानी आपको बहुत सारी फॉरेन कंपनीज के नाम एटसेट्रा एटसेट्रा चीजें पता चलेगी। आपको पता चलेगा दुनिया में सिर्फ रिलायंस और टाटा ही नहीं, बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी। ओके, और तीसरी चीज आपको पता करके लानी, टॉप 10 मर्जर्स एंड एक्विजिशंस फेलियर, टॉप 10 मर्जर्स एंड एक्विजिशंस फेलियर। यानी क्या आप समझ रहे हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस फेलियर क्या? डील हुई थी, डील करते वक्त जो हमने ख्वाब देखे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, तुम और हम अगर एक हो जाएं, और फिर अल्टीमेटली डील होने के बाद, मर्जर होने के बाद क्या 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 सिचुएशंस उन्हें फेस करनी पड़ी, और अल्टीमेटली वो जो डील है वो बेकार गई, वो जो डील है वो फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही दे गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो टाटा स्टील, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था इंट्रोडक्शन में, टाटा स्टील और कोरेस की जो डील है वो कोई बहुत फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ। पिछले 10 साल से वो लोग लॉसेस 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 में ही जा रहे हैं, यानी अदरवाइज जो वो कमा सकते थे, प्रोग्रेस कर सकते थे, वो ना कर पाए, राइट। एक और कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, बड़ी कंपनी हमेशा छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, ये तो ऑब्वियस है। छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को एक्वायर नहीं करती है, या करती है? छोटी कंपनी बड़ी कंपनी एक्वायर एक्वायर करती है, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को एक्वायर कर सकती है क्या? मैंने ऐसा बचपन में कहानियां सुनी, ये बड़ी मछली छोटी मछली को खाती, लेकिन ये क्या छोटी मछली भी बड़ी मछली को खा सकती है क्या? यस, लाइव एग्जांपल से टाटा स्टील ने एक्वायर किया था कोरस को, तो टाटा स्टील एक बहुत छोटी कंपनी थी जिसकी रैंक 30वें से 40वें नंबर पर आती थी दुनिया में, उस वक्त जब टाटा स्टील ने एक्वायर किया था कोरस को, और कोरस आता था टॉप 10 फर्म्स में, वर्ल्ड में टॉप 10 जो आयरन एंड स्टील कंपनीज है उसमें नाम शामिल होता था कोरस का, और टाटा स्टील का नाम आता था 30वें से 40वें के बीच में। तो छोटी कंपनी ने किसको एक्वायर कर लिया? बड़ी कंपनी को एक्वायर कर लिया, राइट। छोटी कंपनीज भी बड़ी कंपनी को एक्वायर करती, बट दी क्वेश्चन इज कैसे, उसके पास इतने पैसे कैसे आए, कैसे? लेवरेज्ड बाय आउट, लेवरेज्ड बाय आउट, LBO। लिवरेज, लिवरेज का मतलब आप समझते हो, लिवरेज यानी पैसा बोरो करना, बोलो, यस। तो लिवरेज बाय आउट के रूट से छोटी कंपनी भी क्या कर सकती है, बड़ी कंपनी को एक्वायर कर सकती है, और ऐसा ही टाटा स्टील ने किया था। टाटा स्टील ने अपनी इच्छा जाहिर की कि हमें कोरस को खरीदना, बट द क्वेश्चन इज कि हम है छोटी कंपनी और वो है बड़ी कंपनी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। सिंपल, उन्होंने क्या करा, उन्होंने खूब सारा लोन लिया, लेवरेजिंग करी, और वो लोन का पैसा किसको दिया, कोरस को लिया, और कोरस को एक्वायर कर लिया। ऐसे बायआउट्स को क्या कहते हैं, लेवरेज्ड बायआउट्स कहते हैं। यानी कि अगर बैंक्स का साथ हो, डेट का साथ हो, तो छोटी कंपनी भी बड़ी कंपनी को एक्वायर कर सकती है, राइट। आपको पता है ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं ये ऐसा करवाते हैं। टाटा मोटर्स बोलेगा, अरे हम तो छोटी कंपनी, और जगुआर लैंड रोवर का तो बड़ा नाम है, आप चिंता क्यों करते हो, हम है ना, आपको पैसे की जरूरत है, फाइनेंस भी हम आपको करवा देंगे, पैसा भी रेज हम आपको करवा देंगे, उस पर भी हम आपसे कमीशन,
कमा लेंगे। क्या आप समझ रहे हो? यानी इन्वेस्टमेंट बैंक जो होता है वो कंप्लीट पैकेज होता है, आपको कहीं से कहीं तक भी दिक्कत नहीं आती। लीगल क्लियरेंसेस क्यों चिंता करते हो? सारे लीगल क्लियरेंसेस हमारे पास, एक लीगल डिपार्टमेंट ही है जो जर्मनी, इंडिया, सारे वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर आपके सारे लीगल क्लियरेंसेस, टैक्सेशन के मैटर भी सॉल्व कर देगा, राइट? तो ये कंप्लीट पैकेज ऑफ सर्विस देते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स, यानी डील के शुरू से लेकर डील के आखिरी तक का ये पैकेज देते हैं, राइट? क्या क्लियर है सबको? राइट, आ रही बातें आपको मेरी समझ में? ओके, चलिए। क्या फायदा यार, क्या फायदा होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन से? कैन यू नेम सम ऑफ द एडवांटेजेस? क्या फायदा होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन से? एडवांटेजेस आप मुझे बताइए। कंपटीशन में हम रिडक्शन कर सकते हैं, राइट? है ना? अगर हमारा कॉम्पिटिटर हमसे ज्यादा तेज चल रहा हो, हम क्या कर सकते हैं? उसको उठा सकते हैं, राइट? ओके, तो कंपटीशन को हम कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ओके, वन ऑफ द एडवांटेजेस रिडक्शन कॉम्पिटिशन। सेकेंड इज, हाँ जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इंफोसिस नाम की कंपनी हूं, लेकिन एक छोटी सी फर्म में 20 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की, जिन्होंने एक शानदार सॉफ्टवेयर पैकेज या एप्लीकेशन डिजाइन किया है, मैं सिंपल क्या कर सकता हूं? उनको उठाकर अपने आप में मर्ज कर सकता हूं और उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मैं फायदा ले सकता हूं। या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ऐसे भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि मैं एक कंपनी हूं और एक और दूसरी फॉरेन की कंपनी, हम दोनों साथ मिलकर अगर एक नया प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे तो मैं भी अपना बेस्ट उसमें दूंगा, आप भी अपना बेस्ट देना, बेस्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट हम डेवलप कर लेंगे। काफी सारी जो फॉरेन की कंपनी आती है वो इंडियंस के साथ आकर कोलेबरेट करती है, जैसे आपने सुना ही होगा मारुति सुजुकी, या पहले हीरो होंडा, राइट? होंडा के अपने प्लस पॉइंट्स थे, हीरो कंपनी के अपने प्लस पॉइंट्स थे, दोनों ने अपने प्लसेस को मर्ज किया और हीरो होंडा ने देश भर में नंबर वन कंपनी बनी वो, राइट? है ना? तो इस तरीके से क्या होता है कि दो पार्टीज अगर मिल जाए और फिर साथ में रिसर्च करें तो इसके बेनिफिट्स होते हैं। और क्या एडवांटेज है यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट? जोर से बोलो ना थोड़ा सा। एक्सपेंशन और कैटरिंग न्यू मार्केट। यस, एक्सपेंशन, कैटरिंग न्यू मार्केट, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूं एक कंपनी, लेट से मैं हूं एयरटेल, और मुझे साउथ अफ्रीका में जाकर अपने ऑपरेशन शुरू करने, साउथ अफ्रीका में जा सकता है क्या एयरटेल? एक मिनट, जब वोडाफोन बाहर की कंपनी, हच बाहर की कंपनी, इंडिया में आ सकते हैं तो हम भी तो बाहर जा सकते हैं, राइट? हम साउथ अफ्रीका में जाकर अपने ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर मैं एक एयरटेल कंपनी हूं और मुझे स्क्रैच से सारे ऑपरेशन स्टार्ट करने पड़ेंगे तो मुझे 3 से 4 साल लग जाएंगे वहां पर ऑपरेशन स्टार्ट करने में। पहले तो मुझे काफी सारे वहां पर लीगल क्लियरेंसेस लेने पड़ेंगे, फिर वहां पर मुझे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, काफी सारा टावर्स का मुझे वहां पर जाल बिछाना पड़ेगा, काफी सारे एम्प्लॉयज मुझे वहां पर रिक्रूट करने पड़ेंगे, ये सब करने में मुझे 2 से 3 साल का समय तो लग ही जाएगा। लग जाता है क्या 2 से 3 साल का समय? हाँ, मैं कब से सुन रहा हूँ रिलायंस जियो आएगा आएगा और आएगा ही आएगा, राइट? है ना? तो ऐसी सारी चीजें डेवलप करने में आपको 2 से 3 साल का समय लग जाता है। हो सकता है इन 2 से 3 साल में कोई दूसरी बड़ी कंपनी आकर मार्केट शेयर पर कब्जा कर ले, तो आप अर्ली मूवर एडवांटेज लेने के लिए बजाय कि आप स्क्रैच से वहां पर सारे ऑपरेशन शुरू करें, दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? आप वहां की किसी रनिंग ऑपरेटिंग कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं और उसके उस बेस को यूटिलाइज करके आप उसे जल्दी से ग्रो कर सकते हैं, राइट? सो वन ऑफ द एडवांटेजेस इज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, राइट? है ना? एक्सपेंशन, हाँ जी। और क्या एडवांटेजेस? बोलो बोलो, एडवांटेजेस और होते हैं, अभी तो बहुत सारे हैं। वेरी गुड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर मेरा प्लांट 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है, तुम्हारा प्लांट 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है, तो क्यों ना हम दोनों प्लांट मर्ज करके 100% कैपेसिटी पर ऑपरेट करें? ऐसा करने से काफी सारे एडवांटेजेस होंगे। एक तो फुलर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा, तो इंसिडेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होगा। बोलो, यस। फिर ऐसा करने से सप्लायर के साथ भी हम बेहतर नेगोशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लार्ज स्केल पर उससे परचेजेस कर रहे हैं, तो फिर हम उससे और सस्ते दामों पर प्रोडक्ट एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा, प्राइसिंग पावर भी हमारे हाथ में आ जाएगी टू द कस्टमर, क्योंकि अगर हम दो कॉम्पिटिटर है, लेट से हम हैं एयरटेल और हम हैं आइडिया, अगर हम दोनों कंपटीशन में रहते हैं तो हमें प्राइस कट करनी पड़ेगी। एयरटेल बोलेगा मैं एक स्कीम देता हूं 50 पैसे पर मिनट, तो आइडिया बोलेगा ठीक है कल से मेरा 40 पैसे पर मिनट, फिर से एयरटेल आएगा ठीक है काम करो अब 30 पैसे पर मिनट। अच्छा, ऐसा ही हो रहा था टेलीकॉम मार्केट में काफी समय से, नहीं हो रहा था क्या? आपको पता ना, जब टेलीफोन टेलीकॉम कंपनीज आई थी तब दे यूज टू चार्ज अप्रोक्सीमेटली 18 रुपीज पर मिनट,
18 रुपीस पर मिनट फॉर इनकमिंग कॉल्स, नॉट फॉर आउटगोइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इनकमिंग कॉल। किसी का फोन आया और आपने सिर्फ उसमें वो हरा बटन दबा दिया, 18 रुपए का बैलेंस कट जाता है। ऐसा हो रहा था आज से 15 साल पहले जब टेलीकॉम कंपनीज आती थी, दे यूज टू चार्ज फॉर इनकमिंग, क्योंकि ये तो एक फैसिलिटी ना, आप कहीं पर भी हो कोई भी आपको रीच कर सकता है। और आउटगोइंग कॉल के लिए लगते थे 30 रुपए पर मिनट जब नई नई ये कंपनीज आई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता गया, हर किसी ने प्राइस कट डाउन करना शुरू करी और अब आलम क्या है, 30 पैसे पर मिनट। बोलो यस। लेकिन अगर ये दो कंपनीज मर्ज हो जाए, एयरटेल और आइडिया, तो प्राइसिंग पावर अब कंपनी के हाथ में होगी। कस्टमर अब उनको ये नहीं बोल सकता कि ठीक है एयरटेल छोड़ा तो आइडिया, वो बोलेंगे हम दोनों एक ही है, राइट? तो प्राइसिंग पावर किसके पास आ जाती, कंपनी, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती। तो इट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशन। और क्या एडवांटेजेस होते हैं? हाँ जी, ओके, टर्निंग सिक यूनिट्स इनटू प्रॉफिटेबल, वेरी गुड एडवांटेज। मैं एक कंपनी हूं जिसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन मेरा मैनेजमेंट बहुत ही पुअर है, यानी मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा है लेकिन मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कमजोर है, मेरी कस्टमर को जो क्वालिटी सर्विस देने की फितरत है वो बहुत ही कमजोर है। लेकिन एक कंपनी जिसका मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है, ये शानदार मैनेजमेंट कंपनी वाली कंपनी क्या कर सकती, इस प्रोडक्ट, इस गुड प्रोडक्ट वाली कंपनी को एक्वायर कर सकती और इसमें वो बेहतर सर्विसेज ऐड कर सकती, राइट, है ना? तो ऐसा करने से वो कंपनी जो खराब परफॉर्म कर रही थी वो कंपनी को अगर हम मिक्स कर ले तो वो भी बेहतर परफॉर्म करने लग जाएगी, राइट, है ना? या फिर कुछ कंपनीज होती है जो लॉस मेकिंग होती है, लॉस मेकिंग कंपनीज को टर्न अगर करना है इनटू प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, राइट, तो भी हम ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस रूट ले सकते हैं। अरे इससे मुझे एक और एडवांटेज याद आ रहा है, टैक्स एडवांटेज। अरे सीआईपीसीसी टैक्सेशन, अगर आप किसी लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करते हैं तो इनकम टैक्स में ऐसे कुछ प्रावधान है कि आप उसके लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट योर प्रॉफिट्स, ताकि आपको टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेंगे। सो वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस डील इज टैक्स एडवांटेज। बोलिए यस, राइट। ये होते हैं दोस्तों कुछ एडवांटेजेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, राइट, ओके। कितने तरह के मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कितने तरह के होते हैं? मर्जर्स एंड एक्विजिशंस मैं चार की बजाय उसमें से सिर्फ तीन ही तरीके बताऊंगा क्योंकि वो तीन कॉमन है, ओके। तीन तरह के मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं, राइट। पहला होता है हॉरिजेंटल मर्जर, दूसरा होता है वर्टिकल मर्जर और तीसरा होता है कॉन्ग्लोमरेट और तीसरा होता है कॉन्ग्लोमरेट। ये तीन पॉपुलर तरीके हैं, राइट, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट। क्या आप समझते हैं व्हाट इज अ हॉरिजेंटल मर्जर? हॉरिजेंटल यानी इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं या इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं, पहला वाला है दूसरा वाला, इसको आपके इसको बोलते हैं दोस्तों हॉरिजेंटल मर्जर, राइट। हॉरिजेंटल मर्जर का मतलब है कि एक कंपनी दूसरी उस कंपनी को एक्वायर कर रही विच इज इन टू दी सेम लाइन ऑफ बिजनेस, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर फास्ट कोचिंग, ओके, दूसरी किसी कोचिंग को अगर एक्वायर कर ले तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा, कौन सा टाइप ऑफ मर्जर कहलाएगा? ये कहलाएगा हॉरिजेंटल मर्जर, राइट। व्हेन अ कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, बोलो यस। वर्टिकल मर्जर का मतलब होता है कि एक कंपनी अपने या तो सप्लायर कंपनी को एक्वायर कर ले या फिर अपनी कस्टमर कंपनी को एक्वायर कर ले, सप्लायर कंपनी को या फिर कस्टमर कंपनी को एक्वायर कर ले, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर का एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट अस से कि वुल, कॉटन, ओके, कॉटन, कॉटन से बन थ्रेड ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल, कॉटन से बनता है थ्रेड और लेट अस से थ्रेड से बनता है शर्ट, कॉटन से बनता है थ्रेड, थ्रेड से बनता है शर्ट, धागा। तो थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, कॉटन मिल को एक्वायर कर ले तो दोस्तों ये भी क्या कहलाता है, वर्टिकल। और अगर ये थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो पहले थ्रेड सप्लाई करती थी किसको, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, अब ये शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ही एक्वायर कर ले तो ये भी क्या कहलाता है, वर्टिकल मर्जर ही कहलाता है। इज दैट क्लियर? ओके।
अब इसमें अगर थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने पीछे वालों को एक्वायर कर रहा है, यानी कॉटन को एक्वायर कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। इसे क्या कहते हैं? बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और मैं आगे वालों को एक्वायर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, राइट? रिलायंस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच काइंड ऑफ इंटीग्रेशन। रिलायंस ने बहुत सारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन खुद से किया हुआ है, राइट? ओके, दोस्तों इन चीजों को लिख भी लें हम तो याद रहेंगे। मैं आपको एडवांटेजेस नहीं लिखवा रहा हूं, एडवांटेजेस आपको नोट्स में बहुत अच्छे से दे रखे हैं। टाइप्स ऑफ मर्जर, सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मर्जर। वन इज हॉरिजेंटल मर्जर। हॉरिजेंटल मर्जर का मतलब होता है कि एक सेम लाइन ऑफ बिजनेस में ऑपरेट करने वाली कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर ले। फॉर एग्जाम्पल, लेट से एयरटेल, एयरटेल एक्वायर्स आइडिया, इट्स वॉट हॉरिजेंटल काइंड ऑफ मर्जर, राइट? ओके, सेकेंड वॉज वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर यानी कि लेट अस से दिस इज कॉटन, दिस इज थ्रेड एंड दिस वन इज शर्ट। अगर थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कॉटन को एक्वायर कर ले तो भी वर्टिकल, और थ्रेड शर्ट को एक्वायर कर ले तो भी क्या कहलाता है? वर्टिकल, राइट? ओके, पर इसे एग्जैक्टली क्या कहते हैं? बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी अपने पीछे वालों को अपने आप में इंटीग्रेट करना, मर्ज करना, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और इसे कहते हैं दोस्तों फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इसे कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ओके, और इसके बाद तीसरे तरह का मर्जर होता है जो कहलाता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर यानी वो मर्जर जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा ऐसा किया क्यों, वो क्या कहलाता है? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से एयरटेल नाम की कंपनी अगर टाटा कॉफी कंपनी को एक्वायर कर ले, हम बोलेंगे ऐसा किया ही क्यों, एयरटेल ने टाटा कॉफी को एक्वायर ही क्यों किया? तो ऐसा मर्जर क्या कहलाता है? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, यानी व्हेन अ कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी दैट इज ऑपरेटिंग इनटू एन एंटायरली डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस, सच टाइप्स ऑफ मर्जर्स आर कॉल्ड एज कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, राइट? ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, दैट एयरटेल एक्वायर्स टाटा कॉफी फॉर श्योर। इनमें भी तो कनेक्शन तो है ना, एयरटेल वाले भी तो कॉफी पीते होंगे और टाटा कॉफी वाले भी तो फोन लगाते होंगे, नहीं, राइट? ये कोई ग्राउंड नहीं हुआ। ओके, ये समझ में आया क्या? टाइप्स ऑफ मर्जर यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कैटरीना कैफ और सलमान खान दोनों बॉलीवुड, दोनों का मर्जर हो जाए दोस्तों क्या कहलाएगा? हॉरिजेंटल मर्जर, राइट? ओके, अगर कैटरीना कैफ का आगे डायरेक्टर के साथ या फिर कैमरामैन पीछे कैमरामैन के साथ, राइट दोस्तों क्या कहलाएगा? और ये कैटरीना कैफ का अगर ओके, तो ये क्या तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, राइट? ओके, चलिए ये होते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ मर्जर। ओके, ये था हमारा थियोरेटिकल डिस्कशन, अब हम आते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल्स पर, राइट? ओके, प्रैक्टिकल्स में मैं सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स सिखाऊंगा। यह वह बेसिक्स होंगे जो पूरे के पूरे चैप्टर में जाने अनजाने में कहीं ना कहीं पर काम में आएंगे। एक बार बेसिक्स हमारे सॉलिड हो जाए फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की ओर रुख करेंगे। चलिए, ओके, वैसे ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है एग्जाम में, और इसमें 10 में से जो 6 बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 में से एग्जाम में जैसे 6 बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें कवर करने के लिए मैंने
उन्हें कवर करने के लिए मैंने तीन एग्जाम्पल्स बना रखे। वो तीन एग्जाम्पल्स अगर आपने कर लेना तो 60% तो चांस है कि बस उन तीन एग्जाम्पल्स ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बचे हुए चार बार जो क्वेश्चन आते हैं वो चार वैरायटी के लिए, फिर बहुत सारे और भी क्वेश्चंस अपने नोट्स में है, राइट। पर वो जो तीन एग्जाम्पल है 60% कवरेज तो चैप्टर का यूं ही हो जाता है। फिर हाँ, हम डेफिनेटली उन एग्जाम्पल्स पर बेस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस चाहिए। तो हमारे हैं बेसिक्स पर, हो सकता है जब मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊं तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स को वो बेसिक्स काफी बेसिक लगे, लेकिन मैं यह मानते हुए पढ़ाता हूं कि आपका आईपीसीसी में डब्बा गोल था। ओके, सो सबसे पहला बेसिक और सही में काफी बेसिक, हाउ डू वी कैलकुलेट ईपीएस। वेरी इजी सर, हाउ डू वी कैलकुलेट ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, राइट, है ना। ओके, क्या ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स भी कर सकते हैं? पता है ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कब कर सकते हैं? जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं हो, तो जो ईएटी होता है सो ही ईएईएस होता है, राइट। इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जब आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस मैंने लिया स्टडी मटेरियल में देखेंगे, हर जगह पर ईपीएस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। वो जो प्रैक्टिस मैंने सजेस्टेड आंसर, उनके पास जब आपकी कॉपी चेक करने जाएगी तो कॉपी चेकर के पास भी यही लिखा होगा, ईपीएस इज इक्वल टू ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। उसके पीछे बहुत ही सिंपल सा कारण है कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन चैप्टर में वो कहीं पर भी प्रेफरेंस शेयर्स को बीच में लेकर नहीं आते, तो इसलिए यह वाला फॉर्मूले का वर्जन भी चलता है, राइट। तो मैं आपको एक्जैक्टली वही फॉर्मूला लिखवा रहा हूं जो वो लोग चाहते हैं, और इसके साथ मैं कंडीशन लिख रहा हूं कि दिस फॉर्मूला इज गुड ओनली व्हेन देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, और जो जनरली नहीं होगा, यानी 100 में से 99% केसेस में प्रेफरेंस शेयर्स होंगे ही नहीं। ओके, सो ईपीएस इज इक्वल टू ईएटी अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स if there is no preference dividend, if there is no preference dividend, which usually happens in case of this chapter, right? The accurate version would be accurate version is formula ka hota hai EAES divided by number of shares, लेकिन आप प्रैक्टिस मैनुअल भी उठाकर देखेंगे वो ईएएस लिखने का कष्ट नहीं उठाते, राइट। ओके, ईएटी लिखते थे, वो भी एक सही फॉर्मूला है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में प्रेफरेंस डिविडेंड होता ही नहीं, तो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ओके, सेकंड बेसिक, पोस्ट मर्जर ईपीएस। सेकंड बेसिक, पोस्ट मर्जर ईपीएस। पोस्ट मर्जर ईपीएस, ईपीएस कैसे कैलकुलेट करने का, एक सिंगल कंपनी का वो तो हमें आ गया, लेकिन दो कंपनीज अगर मर्ज हो जाए तो मर्ज्ड फर्म का ईपीएस कैसे कैलकुलेट करना? सर सिंपल है, जो इसका अर्निंग्स आए और जो इसका अर्निंग्स आए, दोनों के अर्निंग्स को बोलो ना जोड़ दिया जाए और बाद में डिवाइड किया जाए, सिर्फ इसके नहीं बल्कि इसके प्लस उसके दोनों के नंबर ऑफ, नहीं 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 नहीं, जब भी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होता है तो एक्वायरिंग कंपनी क्या करती है, अपने कुछ शेयर्स इश्यू करती है, किसको, टारगेट को। क्या जरूरी है कि अगर उनके 1,00,000 शेयर्स हैं तो ये भी 1,00,000 शेयर्स इश्यू करें? नहीं। ओके, तो आप जानते करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस तो दोनों फर्म के कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू टू टारगेट, राइट। ये होता है फॉर्मूला, राइट। ओके, चलिए, सो पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस ऑफ एक्वायर ईएटीए प्लस अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस ऑफ टारगेट ईएटीटी डिवाइडेड बाय एन प्लस डेल्टा एन, डिवाइडेड बाय एन प्लस डेल्टा एन, राइट। ओके, यहां पर डेल्टा एन का मतलब क्या होता है और एन का मतलब क्या होता है? Here n means number of shares of acquirer, number of shares of acquirer, and delta n means number of shares issued to, number of shares issued to target.
इसके बाद हमारा तीसरा बेसिक है, इसके बाद हमारा तीसरा बेसिक है स्वैप रेशियो। स्वैप रेशियो का दूसरा नाम होता है एक्सचेंज रेशियो। स्वैप रेशियो में ऑल्सो बी कॉल्ड लेस एक्सचेंज रेशियो, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। ओके, स्वैप रेशियो, स्वैप रेशियो आखिर हमें क्या बताता है? इसका जनरल नॉलेज तो आपको है, स्वैप रेशियो क्या बताता है कि आखिर टारगेट के शेयर्स के बदले में एक्वायरर अपने कितने शेयर्स इश्यू करेगा, ये हमें कौन बताता है? स्वैप रेशियो, राइट? ओके, तो स्वैप रेशियो का मतलब लिखते हैं, स्वैप रेशियो मीन्स द रेशियो एट विच एक्वायरर कंपनी विल इश्यू शेयर्स टू द टारगेट कंपनी। यह वह रेशियो होता है जिस पर कि एक्वायरर कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है किसको? टारगेट कंपनी को, राइट? ओके, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट अस से एयरटेल इज ऑफरिंग अ स्वैप रेशियो ऑफ 2:1 टू द शेयर होल्डर्स ऑफ आइडिया। आइडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स को एयरटेल कंपनी क्या स्वैप रेशियो ऑफर कर रही है? 2:1, राइट? ओके, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ऑफ आइडिया इज इक्वल टू 15 करोड़। आइडिया के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है? 15 करोड़। क्वेश्चन इज हाउ मैनी शेयर्स would be issued by Airtel. Airtel को आखिर कितने shares issue करने पड़ेंगे? हाँ जी, 30 करोड़। देख लो, आप सोच लो, 7.5। ओके, दो आंसर है मार्केट में, एक है 30 करोड़ और दूसरा है 7.5 करोड़। इसके अलावा तीसरा आंसर कोई सा, तीसरा आंसर कोई सा भी, यानी दो आंसर्स में मान लो, वन इज 7.5 करोड़ एंड वन इज 30 करोड़। देखिए दोस्तों, इन दोनों आंसर्स की भीड़ में से कौन सा आंसर सही है? ओके, तो क्या आप ये मानते हैं कि आपको रेशियो पढ़ना अभी नहीं आता है? 2:1 है ना, चक्कर तो रेशियो का ही हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि आखिर रेशियो को पढ़ते कैसे, यानी 2:1 के अंदर 1:2 क्या होता है। मैं 11th 12th से पढ़ रहा हूँ पार्टनरशिप में रेशियो, लेकिन तक मैं कंफ्यूज हूं कि अगर ये रेशियो होता क्या है, व्हाट इज 1:2, व्हाट इज 2:1। ओके, तो दोस्तों ये जो सिंबल है ना, इस टू इस टू को जिस दिन आपने अपनी आदत सुधार ली और आपने इसको क्या पढ़ लिया, फॉर, इसको इस टू पढ़ो ही मत, प्रॉब्लम ही कहां पर, प्रॉब्लम आप में नहीं, प्रॉब्लम पढ़ाने वालों में। उन्होंने आपको क्या पढ़ा है? इस टू, आप इसको क्या पढ़ो? फॉर। हाँ, क्या पढ़ेंगे आप इसे? 2:1। अब आप मुझे बताइए, 2:1, फॉर वन शेयर यू विल बी इश्यूड 2 shares, सो फॉर 15 करोड़ शेयर्स यू विल बी इश्यूड 30 करोड़ शेयर्स, राइट? 2:1 के रेशियो का यही इंटरप्रिटेशन होता है। हाँ, अगर मैं इसको उल्टा लिख देता 1:2, तो आप उसको इस टू पढ़ने में, जहां इस टू बड़ा कंफ्यूजन, 1:2, फॉर 2 shares यू विल गेट 1 share, सो फॉर 15 करोड़ शेयर्स यू विल गेट 7.5 करोड़ शेयर्स, राइट? ओके, So, यहां पर हमने इसको पढ़ना सीखा। इस टू को हम पूरे सिलेबस में क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फॉर। सो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड इक्वल्स टू 15 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 30 करोड़ शेयर्स इज करेक्ट आंसर। 30 करोड़ शेयर्स इश्यू किए जाएंगे, राइट? 30 करोड़ शेयर्स, बिल्कुल सही जवाब। ओके,
यानी अब मैं ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, लिखने की भी जरूरत नहीं इसको। ऐसे कि अगर 4:3 के रेशियो में हो रहा है एक्विजिशन, 4:3, तो 4:3 को इस टू पढ़ना ही नहीं, 4 4 3, फॉर 3 शेयर्स वी विल गिव यू 4 शेयर्स। तो अगर आपके 3 शेयर है आपको 4 मिल जाएंगे, आपके 30 शेयर है आपको हमारे 40 शेयर्स मिल जाएंगे, राइट। डेल्टा एन यानी नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, और नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड किसके बेसिस पर कैलकुलेट होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्वैप रेशियो, राइट। क्या क्लियर है सबको, राइट? ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है पीई रेशियो। नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है पीई रेशियो। पीई रेशियो नाम तो सुना होगा, पीई रेशियो प्राइस अर्निंग्स रेशियो, एंड द फॉर्मूला इज मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, राइट। मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ओके। सो पीई रेशियो इक्वल्स टू मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, वेरी इजी, राइट। मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक कंपनी है इंफोसिस लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है जिसका नाम अभी नहीं पता, इंफोसिस। इंफोसिस के शेयर का लेटेस्ट से ताजा मार्केट भाव चल रहा है 1200 रुपए, 1200 रुपीज में हमें इंफोसिस का एक शेयर खरीदने को मिल रहा है, राइट। ओके, इंफोसिस का ईपीएस, इन्फोसिस का ईपीएस है लेटेस्ट से 60 रुपीज, तो इन्फोसिस का पीई रेशियो आता है कितना? 20 टाइम्स, राइट। ओके, पीई रेशियो 20% आएगा, 20 टाइम्स आएगा, टाइम्स, राइट। पीई रेशियो इज इन टाइम्स, राइट। ओके, इट इज नॉट इन परसेंटेज टर्म्स, ओके। सो पीई रेशियो कितना आ रहा है? 20 टाइम्स। नाउ द क्वेश्चन इज, बड़ी बात ये नहीं कि आपको पीई रेशियो निकालना आता है, बड़ी बात क्या है कि आपको पीई रेशियो को इंटरप्रीट करना आता है, इंटरप्रिटेशन। 20 टाइम्स का इंटरप्रिटेशन बहुत ही बेसिक इंटरप्रिटेशन में आपको दे रहा हूं, बहुत ही बेसिक इंटरप्रिटेशन, कि इंफोसिस का अगर मुझे एक शेयर खरीदना है, इंफोसिस का अगर एक शेयर खरीदना है, राइट, तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1200 रुपए, यानी 1000 का एक नोट निकालना पड़ेगा, 100 100 के दो नोट निकालने पड़ेंगे। 1200 जब रुपए मैं दूंगा तो मुझे इंफोसिस का एक शेयर मिल जाएगा, और फिर बाद में ये एक शेयर मुझे कितना कमा कर देगा? हर साल 60 60 रुपए कमा कर देगा। एसजीएमएन की कंपनी की कमाई हर साल सेम रहती, कितने कमा कर देगा? 60। तो वो 60 रुपए की कमाई के लिए आज मैं कितने दे रहा हूं? 1200, यानी एक तरीके से हर 1 रुपये की कमाई के लिए मैं आज कितने रुपए दे रहा हूं? 20 रुपए। या आप मानते हैं कि अगर आपको 1 1 रुपए की इनकम करनी तो आज 1 रुपया देना पड़ता है, उससे कम देना पड़ता है, उससे तो ज्यादा ही देना पड़ता है। अगर कोई मुझे बोले कि सर आपको 1 1 रुपए की इनकम हम देंगे आज, वो 1 रुपया हमें दे दो, तो मैं बोल दूंगा बहुत बढ़िया, ये लो 1 रुपया, एक साल में मेरा पैसा वापस, और उसके बाद जीवन भर फ्री की कमाई, राइट। तो नॉर्मली आपको आज थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है, तो पी रेशियो बताता है कि हर 1 1 रुपए की कमाई के लिए आज आपको कितने गुना लगाना पड़ेगा। हर 1 रुपए की इनकम के लिए आपको 20 गुना, यानी 20 रुपए लगाने पड़ेंगे। 20 रुपए दो, 1 रुपया लो, 40 रुपए दो, 2 रुपए लो, राइट। उसी तरीके से 1200 रुपए दो, 60 रुपए लो, राइट। चल एक और कंपनी को मैं यहां पर बगल में रखता हूं, लेट्स से एक और दूसरी कंपनी है जिसका नाम है, लेट्स से जो कि है लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी इसका नाम ही पता है क्या है? लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी इसका नाम है, ये जो लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी है, राइट। ओके, लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी की कमाई है 10 रुपए, 10 रुपए है इनका अर्निंग्स पर शेयर, है ना। ओके, लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी का पीई रेशियो 20 टाइम्स है, यानी इनके शेयर का प्राइस कितना हो गया? 200। यानी लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी भी दोस्तों बराबरी की बात कर रही, क्या बात कर रही है कि 10 रुपए की ईपीएस के लिए हमारी शेयर की प्राइस कितनी? 200। यानी हर 1 रुपए की ईपीएस के लिए हमारे शेयर की प्राइस 20 रुपए, यानी 20 गुना। ओके, क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप कौन सी कंपनी में पैसा लगाना पसंद करेंगे? सर इन्फोसिस। जब वही इनकम, वही 1 रुपए की कमाई ये हमसे 20 रुपए लेकर दे रहे हैं, और वही 1 रुपए की कमाई ये भी हमसे 20 ही रुपए लेकर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली हर हर इन्वेस्टर दोस्तों किस कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा? इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा। तो अब आप बताइए कि जब हर कोई इन्फोसिस को पसंद करेगा तो क्या इसकी कमाई के लिए 20 गुना प्राइस देने को तैयार हो जाएगा?
बोलो। नहीं एक मिनट, आप भी तो सब समझदार हो ना, आपने भी तो बोला हम क्यों खरीदेंगे लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी, वैसे ही हर कोई शेयर मार्केट में क्या बोलेगा, हम भी क्यों खरीदेंगे लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी जब वही दाम में एक अच्छी कंपनी मिल रही है, तो फिर हम ये कंपनी क्यों ले, ये कंपनी क्यों ना ले, राइट। तो नॉर्मली पता है लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी जो इसका पीई रेशियो 20 टाइम्स चलेगा, उससे कम या उससे ज्यादा, ओ नो, 20 टाइम्स चलेगा पीई रेशियो लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी का, या उससे कम चलेगा या उससे ज्यादा चलेगा। नहीं क्या बोलो, यस। यानी क्या आप मानते हैं कि वो कंपनीज, कौन सी कंपनीज का पीई रेशियो ज्यादा होता है? आपने क्या इंफोसिस, इंफोसिस क्यों चुना आपने? ब्रांड नेम, गुडविल, रेपुटेशन, राइट, ओके। तो जनरली स्पीकिंग वह कंपनी जिनका ब्रांड नेम, गुडविल, रेपुटेशन ज्यादा होती है, उनका पीई रेशियो ज्यादा होता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर एक रेपुटेड इंसान आपको बोलता है कि मैं आपको 1 रुपए की कमाई दूंगा, और लेट से वो इंसान जिसको आप जानते भी नहीं, वो भी आपको बोलता है मैं भी 1 रुपए की कमाई दूंगा, और ये रेपुटेड इंसान आपसे बोलता है 10 का नोट दो मुझे, वो इंसान जिसको आप जानते नहीं वो भी बोलता है 10 का नोट दो मुझे, तो आप 10 का नोट किसे देना पसंद करेंगे? 10 का नोट आप उस रेपुटेड इंसान को ही देना पसंद करेंगे, बोलो यार, ओके। अगर उस दूसरे इंसान को आपको 1 रुपए की कमाई देना ही है, तो आप उसे 10 का नोट देना पसंद करेंगे, उससे थोड़े कम में ही उससे मानेंगे, उससे थोड़े से कम आप बोलेंगे भाई साहब ये 5 रुपए का नोट लेकर अगर आप 1 रुपए की इनकम मुझे दे रहे हो तो आपके साथ डील हम कर लेते, नहीं तो फिर तो वहां जहां पर गुडविल ज्यादा है, रेपुटेशन ज्यादा है, ब्रांड नेम ज्यादा है, वहां पर हम 10 रुपए देने को तैयार है, अगर आप भी 10 रुपए ही मांग रहे हो तो, राइट। तो जनरली स्पीकिंग वह कंपनी जिनकी गुडविल, रेपुटेशन, ब्रांड नेम ज्यादा होता है, उनका पीई रेशियो ज्यादा होता है, राइट, ओके। इंडिया, इंडिया, इंडिया का शेयर बाजार सेंसेक्स, निफ्टी, इनके भी पीई रेशियो चलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, बंच ऑफ कंपनीज, राइट, ओके। इंडिया का पीई रेशियो चलता है लगभग 15 से 20 गुना के बीच में, लेट से 16 टाइम्स, लेट से कितना टाइम, 16 टाइम्स, यानी 1 रुपए की कमाई के बदले में कितना गुना कीमत अदा करनी पड़ती है, 16 गुना, यानी 16 रुपए, राइट, ओके। वही हमारा पड़ोसी मुल्क, वहां पर पी रेशियो चलता है 5 का, कितने का, 5-6 का, कितने का, 5-6 का, यानी उनके 1 रुपए की कमाई सिर्फ कितने रुपए में मिल जाती है, 5-6 रुपए में। उन्होंने आवाज करी कि नहीं, हमारी भी 1 रुपए की कमाई के बदले में हमें 16 रुपए दो। इन्वेस्टर ने बोला ठीक है, जब आपकी 1 रुपए की कमाई के लिए आप भी 16 रुपए मांग रहे हो पाकिस्तान, और इंडिया वाले भी 1 रुपए की कमाई के लिए 16 रुपए मांग रहे हैं, तो दोस्तों किस देश की कमाई ज्यादा अच्छी, हमारे भारत देश की। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश पर इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस, एक मिनट ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस है इंडिया पर है, हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है वो काफी सुधरी हुई है एज कंपेयर टू पड़ोसी देश, राइट। तो क्योंकि हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, हमारी गुडविल, रेपुटेशन, ब्रांड नेम ज्यादा है, तो डेफिनेटली एक फॉरेन इन्वेस्टर कहता है कि आपकी 1 रुपए की कमाई के लिए मैं ज्यादा रुपये भी इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाऊंगा, लेकिन उनकी 1 रुपए की कमाई के लिए मैं इतना ऊंचा दाम देने वाला नहीं हूं, राइट, ओके। मुझसे एक बार इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब जब मैं सीए बना था 2005 में, नवंबर 2005 में सीए बना था, फरवरी जनवरी 2006 में तो रिजल्ट आया था, मार्च 2006 में मैंने इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू में मुझसे जो सबसे मेन क्वेश्चन पूछा गया था वो पीई रेशियो से रिलेटेड ही पूछा गया था। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ क्या पूछा गया, जो इंटरव्यूअर था उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, वन ऑफ द कंपनी हैज पीई रेशियो ऑफ 20 टाइम्स एंड अनदर कंपनी हैज पीई रेशियो ऑफ 15 टाइम्स, कमेंट। एक मिनट, क्या बोल दिया, एक कंपनी का पीई रेशियो 20 गुना, दूसरी कंपनी का पीई रेशियो 15 गुना, मिस्टर प्रवीण, कमेंट। मैंने क्या जवाब दिया, जो आप जवाब सोच रहे हो वही मैंने दिया, बताओ आप क्या सोच रहे हो, वही ग्रोथ की। सर उन्होंने मुझसे पूछा कमेंट, अब मुझे कमेंट करना है कि एक कंपनी का पीई रेशियो 20 और एक का 15, इस पर देखना क्या कमेंट बनता है। सर एक कंपनी का जिसका पीई रेशियो ज्यादा है उसका पीई रेशियो ज्यादा इसलिए होगा, किस लिए होगा,
क्योंकि उसकी गुडविल, रेपुटेशन, ब्रांड नेम मार्केट में ज्यादा होगी, तो उसकी 1 रुपए की कमाई के लिए इन्वेस्टर्स आर रेडी टू पे इवन 20 रुपीज। लेकिन दूसरी कंपनी की गुडविल, रेपुटेशन, ब्रांड नेम कम होगी तो इन्वेस्टर्स कहते हैं आपकी 1 रुपए की कमाई के लिए हम सिर्फ 15 रुपए दाम देने को तैयार हैं, 20 रुपए दाम नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप 20 रुपए ही लेंगे तो फिर हम चले उस दूसरी कंपनी में। मैंने कहा कि उनका गुडविल, ब्रांड नेम, रेपुटेशन 20 गुना वाली कंपनी का ज्यादा होगा। ही सेड बोथ द कंपनीज हैव एंजॉय सेम गुडविल, सेम रेपुटेशन एंड सेम ब्रांड नेम। नाउ कमेंट फर्दर। नहीं 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 नहीं। फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट मारा। मैंने कहा कि वह कंपनी जिसका पीई रेशियो 20 टाइम्स आ रहा है, और बोलो ना क्या कारण हो सकता है डिफरेंसेस इन पी रेशियो। मुझसे पता है क्या पूछ रहे थे? व्हाई इज देयर अ डिफरेंस इन पीई रेशियो, व्हाई, व्हाई इज देयर अ डिफरेंस इन पीई रेशियो। तो वन ऑफ द रीजन आई सेड, एंड ही सेड नो, बोथ द कंपनीज हैव सेम गुडविल, ब्रांड नेम एंड रेपुटेशन। नाउ कमेंट फर्दर। नाउ ही वॉन्ट टू नो द सेकेंड रीजन फॉर डिफरेंस। व्हाट कुड बी द सेकेंड रीजन फॉर डिफरेंस? वेरी गुड, फ्यूचर ग्रोथ। सर, वह कंपनी जिसके फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ज्यादा अच्छे होंगे, उसके लिए आज लोग ज्यादा दाम भी देने को तैयार हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शेयर हूं, लेट अस से मैं एक फैकल्टी हूं और मैं एक शेयर हूं, लेट अस से एक और मेरे बगल में फैकल्टी खड़ी है, माना कि मेरी इनकम, उनकी इनकम, दोनों का ईपीएस सेम है, दोनों की गुडविल, ब्रांड नेम, रेपुटेशन एकदम सेम है, लेकिन मेरे लिए आपने कहा कि सर आपके लिए तो 20 गुना भी दे देंगे, उधर बगल वाली फैकल्टी के लिए 15 गुना, बगल वाली फैकल्टी को अदरवाइज उनके लिए 15 गुना ही देंगे। क्यों? क्योंकि सर माना आज आप और वो बराबर हैं, लेकिन, अरे बोलो क्या लेकिन, दुआएं दो, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए आज अगर आपके लिए ज्यादा दाम भी चुका दिया तो कल आपका ईपीएस बढ़ जाएगा और कंपनसेशन मिल जाएगा। तो वह कंपनी जिनके फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ज्यादा होते हैं उनका पीई रेशियो भी ज्यादा होता है। बोलो यस। तो मैंने कहा, आई सेड सर द कंपनी विच इज हैविंग पीई रेशियो ऑफ 20 टाइम्स माइट हैव गुड फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स एंड हेंस पीपल आर रेडी टू पे अ हायर प्राइस टुडे। ही सेड Praveen, both the companies have got the same future expected growth rates. Now comment further. बताना, इंटरव्यू में बैठे हो, आपका 6 लाख का सवाल चल रहा है आपके सामने, बोलो जो आप बोलोगे, बोलना तो पड़ेगा, 6 लाख का सवाल है, मतलब नहीं है। नहीं, उल्टा बोल दिया है तो। रिस्क रिस्क रिस्क। सर दोनों की गुडविल, ब्रांड नेम सेम है, दोनों के फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट सेम है, लेकिन वह कंपनी जिसमें रिस्क, किसका पी रेशियो 20 टाइम्स होगा, जिसमें रिस्क कम होगी, जिसमें रिस्क कम होगी तो एक समझदार इन्वेस्टर बोलेगा जब दोनों कंपनी का बराबर ब्रांड नेम, दोनों कंपनी की बराबर ग्रोथ, तो मैं उस कंपनी में पैसा लगाना पसंद करूंगा जहां पर रिस्क कम होगी, जहां पर, ये सारी चीजें मैं लिखवा भी दूंगा आपको क्योंकि अपने सिलेबस के काम की चल रही है, जहां पर रिस्क कम होगी, जहां पर रिस्क कम होगी उसका अगर 1 रुपए की कमाई मिल भी जाए क्योंकि वहां रिस्क कम है, तो मैं थोड़ा ऊंचा दाम भी देने को तैयार हो जाऊंगा क्योंकि उधर सुकून है, रिस्क कम है, लेकिन दूसरी कंपनी में रिस्क मेरी ज्यादा है तो उधर मैं इतना ऊंचा दाम देने को तैयार नहीं होऊंगा। मैंने उनको तीसरा कारण बोला, सर अ कंपनी विच इज हैविंग पी रेशियो ऑफ 20 टाइम्स might be less risky and hence people are ready to pay a higher price. He said, Praveen, both the companies have got the same risk level. Now comment further. ऐसे होता है इंटरव्यू में तो। ओके, नाउ कमेंट फर्दर। बोलो, बोलना तो पड़ेगा आपको, ऐसे ही होता है ना, 2000 कैंडिडेट की भीड़ में अगर आपको उन 100 में आना है। हाँ क्या? अच्छा, उन्होंने पी रेशियो का फॉर्मूला ही नहीं पूछा। अपन क्या याद करके जाते हैं, पी रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस बाय ईपीएस, वो पूछेंगे ही नहीं, ये तो फॉर्मूला, ये तो कोई भी बता देगा। इंटरप्रिटेशन, हाउ डू यू इंटरप्रिट द पीई रेशियो, देखना यार मैंने कितने अटेम्प्ट मारे। मैंने बोला, सर वो कंपनी जिसका गुडविल, ब्रांड नेम ज्यादा होगा उसका पी रेशियो ज्यादा होगा। He said, both the companies have same goodwill brand name. मैंने कहा, जिनकी future growth rate expectation ज़्यादा होगी, उसका आज P ratio ज़्यादा होगा। He said, both the companies have got same growth rate. मैंने कहा, वो कंपनी जिसमें रिस्क कम होगी उसका PE ratio ज्यादा होगा। He said, both the companies have same risk level.
फिर मैंने एक और अटेम्प्ट मारा। नहीं, वो रिस्क लेवल में काउंट हो जाती, अगर सेम रिस्क लेवल होता है तो सेम इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन होती है। फिर मैंने कहा सर एक कंपनी जो है ना उसका साइज ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि जो बड़ी साइज की कंपनीज रहती है ना वो उस पर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। ये है इंफोसिस नाम की कंपनी, और लेटेस्ट से एक और है छोटी कंपनी डेटा मैट्रिक्स। दोनों अच्छे क्लाइंट सर्विस बराबर देते हैं, दोनों की गुडविल है मार्केट में, लेकिन डेटा मैट्रिक्स ठहरी छोटी कंपनी। दोनों क्योंकि टेक्नोलॉजी में, दोनों के रिस्क भी लेटेस्ट से लगभग सेम है, दोनों की फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी है, लेकिन डेटा मैट्रिक्स क्योंकि ठहरी छोटी कंपनी, तो छोटी कंपनीज जो रहती है, छोटी कंपनीज जो रहती है उन पर रिलायंस फेथ इन्वेस्टर का थोड़ा सा कम होता है, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस कि जितना बड़ा साइज ऑफ द कंपनी होगा उतनी अच्छी उनकी रिपोर्टिंग होगी, उतना ज्यादा विश्वास उनकी कमाई पर बनेगा। अगर आप एक लोकल सॉफ्टवेयर कंपनी की कंपनी का P&L भी उठा लोगे ना और उसमें EPS आपको दिख जाएगा ना 10 रुपए का, तो आपका विश्वास थोड़ा आपको लगेगा यार इसमें जरूर कुछ ना कुछ झोल हो सकता है, क्योंकि ये छोटी कंपनी। लेकिन जो बड़ी कंपनी रहती है उसमें इतनी आसानी से झोल नहीं हो पाता है, राइट? तो छोटी कंपनीज में क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम रहता है, छोटी कंपनीज हो सकती है रातों रात अचानक से गायब हो जाए, या फिर एक आंधी आए, बिजनेस में रिसेशन आए और छोटी कंपनी गायब। लेकिन क्या इन्फोसिस गायब हो जाएगी रिसेशन में? नहीं, वो फिर भी टिकी रहेगी। तो मैंने कहा सर वन ऑफ द कंपनीज माइट बी अ बिगर कंपनी, विच मीन्स अ कंपनी हैविंग पी रेशियो ऑफ 20 टाइम्स माइट बी लार्जर इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंटेल, एंड हेंस इट इज रिलेटिवली स्टेबल, एंड हेंस पीपल आर रेडी टू पे अ हायर प्राइस। ही सेड प्रवीण बोथ द कंपनीज हैव गॉट सेम साइज सेम क्लाइंटेल स्केल। मैंने कहा बस सर अब बहुत हो चुका, अगर दोनों कंपनी की गुडविल, ब्रांड नेम, रेपुटेशन, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, रिस्क, साइज ऑफ द कंपनी सब सेम है, तो फिर एक तरीके से दोनों का पी रेशियो भी फिर तो सेम ही होना चाहिए। और क्योंकि सेम नहीं है तो एज एन इन्वेस्टर I would prefer buying shares of a company which is commanding higher or lower PE ratio. Lower PE ratio, क्योंकि जब सब कुछ सेम है तो इसके एक रुपए की कमाई के लिए भी 20 रुपए लगने चाहिए, इसके एक रुपए की कमाई के लिए मुझे 20 रुपए देने पड़ रहे हैं, और इसके भी एक रुपए की कमाई लगभग बराबर है, तो फिर इसके एक रुपए की कमाई के लिए भी 20 रुपए लगने चाहिए, लग सिर्फ कितने रुपए रहे हैं? तो एक समझदार इन्वेस्टर क्या करेगा, 15 टाइम्स पी रेशियो वाली कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। विच मीन्स इफ एवरीथिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, वी ऑलवेज प्रेफर बाइंग अ कंपनी एंजॉयिंग लोअर पीई रेशियो। वॉरेन बफे जो अपने प्रिंसिपल्स बताते हैं इन्वेस्टमेंट्स के, जब वो उनके शुरू के 5 प्रिंसिपल्स लिखते हैं, तो एक प्रिंसिपल जो प्रोमिनेंटली वो लिखते हैं वो यही लिखते हैं कि लो पीई रेशियो वाली कंपनी को खरीदना चाहिए, ऐसी कंपनी जिसका गुडविल, ब्रांड नेम, रेपुटेशन अच्छा हो, जिसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हो, जिसमें रिस्क कम हो, जिसका साइज अच्छा हो और जिसका पीई रेशियो कम हो, ऐसी कंपनी को आप आंख बंद करके खरीद लो। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी जिसका पीई रेशियो चल रहा है 5 गुना, यानी एक तरीके से आपको 1 रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए देने, 5 रुपए, 5 रुपए दिए, 1-1 रुपए की कमाई आती गई, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आ गया अच्छे, फटाफट आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर होगा, वो रिलेटिवली स्टेबल कंपनी है, राइट? तो पीई रेशियो क्या आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में भी काम में आता है? बोलो यस, राइट? तो फिर ऐसा जवाब आपको फ्रेम करना पड़ता है पीई रेशियो का, राइट? ओके, बातों ये एकदम सत्य घटना थी, मतलब ऐसा मेरे साथ हुआ था। ओके हाँ, अब अपन यहां पर लिखना चाह रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ पी रेशियो जो मैंने आपको बताया, राइट? ओके, वो मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूं, आप नोट करेंगे इंटरप्रिटेशन। ऑब्लिक रीजन फॉर डिफरेंसेस इन पीई रेशियो, इंटरप्रिटेशन ऑब्लिक रीजन फॉर डिफरेंसेस इन पीई रेशियो, पीई रेशियो का इंटरप्रिटेशन या उसमें जो फर्क आते हैं उसके पीछे कारण। ओके हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल
अ कंपनी एंजॉइंग हायर गुडविल, अदर थिंग्स बींग इक्वल, अ कंपनी एंजॉइंग हायर गुडविल, ब्रांड नेम, रेपुटेशन एटसेट्रा. etc. will command higher PE ratio. Will command higher PE ratio. Other things being equal, a company enjoying higher goodwill, brand name, reputation, etc. will command higher PE ratio. Right? Okay. Second point बनाकर लिखेंगे. A company whose future growth prospects. A company whose future growth prospects. A company whose future growth prospects are higher. A company whose future growth prospects are higher commands a higher PE ratio. Commands a higher PE ratio. मैं अगर आपको इसका लाइव एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आपने रॉयल एनफील्ड नाम सुना है, रॉयल एनफील्ड की बाइक, वो बुलेट, राइट? ओके, है ना. रॉयल एनफील्ड जो है अचानक से अभी पिछले 2-3-4 साल में उसका मार्केट पिकअप कर गया. इसके पहले तो बुलेट्स कम चलती थी, लेकिन अभी उन्होंने क्या करा, अपनी बुलेट्स को उन्होंने नया लुक देना शुरू कर दिया. नए लुक से वो उसमें ड्यूट जैसा लुक आ जाता है, राइट? ऐसा फंकी लुक आ जाता है, तो उसको अब यंगस्टर्स काफी पसंद करते हैं, राइट? रॉयल एनफील्ड अचानक से पिछले 3-4 सालों में तेजी से ग्रो कर रहा है. रॉयल एनफील्ड का ओनर कौन सी कंपनी आप बता सकते हैं क्या? रॉयल एनफील्ड नहीं, हार्ले डेविडसन तो अलग ही, वो तो अमेरिका है. रॉयल एनफील्ड तो इंडियन है ना, और हार्ले तो अमेरिका है. रॉयल एनफील्ड की ओनर कंपनी है आइशर मोटर्स. आइशर, आइशर, आइशर के जो ट्रक चलते हैं ना, उसी की कंपनी है रॉयल एनफील्ड. वही रॉयल एनफील्ड बाइक बनाता है, राइट? और आइशर मोटर्स का शेयर का दाम अगर आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे तो वो लगभग चलता है 20,000 रुपए एक शेयर. कितने का? लगभग बता रहा हूं, अभी 18,900 चल रहा है. लगभग कितने का चल रहा है शेयर? 20,000 रुपए का. और पता है कितने के पीई रेशियो पर चल रहा है शेयर? 75 times के पीई रेशियो पर चल रहा है. यानी 1 रुपए रॉयल एनफील्ड आइशर मोटर्स की 1 रुपए की कमाई के लिए इन्वेस्टर 75 रुपए भी देने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि रॉयल एनफील्ड का हर साल सेल्स 50% से ग्रो कर रहा है, और अभी इस मार्केट में किसी ने भी कदम नहीं रखे. हीरो कंपनी ऐसी बाइक्स नहीं बनाती है, होंडा कंपनी ऐसी बाइक्स नहीं बनाती है, हार्ले की बाइक्स काफी महंगी आती है, ऐसे तो कार ही खरीद लो. तो रॉयल एनफील्ड का जो ये जो मार्केट है, रॉयल एनफील्ड के मार्केट में अभी ऐसे कोई कंपटीशन नहीं है, और तेजी से उसका सेल्स बढ़ता जा रहा है. तो क्यों? दूसरा फैक्टर कि अगर हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन होती है तो पी रेशियो इतना एक्सपोनेंशियली हाई भी हो सकता है. 75 times चल रहा है रॉयल एनफील्ड यानी आइशर मोटर्स का पीई रेशियो. क्या आप समझ रहे हैं? बोलो यस. तो क्या नहीं खरीदना चाहिए 75 times के पी रेशियो पर कंपनी को? तब भी आप इसे खरीद सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ये 75 का पीई रेशियो जस्टिफाइड है, तो भी आप इस कंपनी को खरीद सकते हो. क्योंकि ऐसी कंपनी अगर तेजी से ग्रो करती है तो इनका शेयर प्राइस भी बहुत तेजी से ग्रो करता है. यानी ये 20,000 का शेयर कब 25,000 का हो जाए? 3-4 महीने में 25,000 का भी हो सकता है, अगर ऐसा ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन है वो उसको फुलफिल करते रहे, मीट करते रहे, राइट? ओके, चलिए. हाँ, तो ग्रोथ पर ने लिख लिया क्या? इसके बाद कौन से 2 points बोले थे यार? रिस्क बोला था और साइज ऑफ द कंपनी बोला था. पहले मैं लिखवा रहा हूं साइज ऑफ द कंपनी. थर्ड पॉइंट, अ कंपनी विथ लार्ज स्केल ऑपरेशंस, अ कंपनी विथ लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशंस, कॉमा बिग क्लाइंटेल, कॉमा बिग क्लाइंटेल एटसेट्रा enjoys a higher PE ratio. Enjoys a higher PE ratio. Okay, चौथा पॉइंट किसके बारे में लिखना चाह रहे हैं आज हम? रिस्क के बारे में लिखेंगे. ओके, a company having lower risk level, a company having lower risk level
will command a higher PE ratio. Jidhar risk kam, udhar PE ratio zyada. A company having lower risk level will command a higher PE ratio. Will command a higher PE ratio. Okay. और अगर ये सारे फैक्टर किसी के सेम निकल जाए तो फिर आंख बंद करके उस कंपनी में पैसा लगा देना जिधर पी रेशियो कम है, क्योंकि फिर उधर वही इनकम, वही सेम इनकम आपको कम दाम देकर मिल रही है. राइट, लिखेंगे दोस्तों अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अ कंपनी हैविंग लोअर पी रेशियो, a company having lower PE ratio should be preferred for investment. A company having lower PE ratio should be preferred for investment. Warren Buffett principle within brackets. Warren Buffett principle. Okay. चलिए दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन किसके बारे में, बेसिक्स में, किसके बारे में, बेसिक्स में हमने किसके बारे में डिस्कस किया, पीई रेशियो के बारे में हमने डिस्कस किया. राइट, ओके, अब हमारा नेक्स्ट बेसिक, फिफ्थ पॉइंट, मार्केट वैल्यू. फिफ्थ पॉइंट इज मार्केट वैल्यू, या फिर इस मार्केट वैल्यू शब्द को दूसरे शब्दों में कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन. या तो आप इसे मार्केट वैल्यू कहते हैं, या फिर आप इसे मार्केट, या फिर आप इसे मार्केट वैल्यू कहते हैं, या फिर आप इसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं. ओके, मार्केट वैल्यू या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है एक कंपनी का? राइट, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंपनी हूं और मेरे काफी सारे शेयर होल्डर्स है, लेट्स से आप जो सब लोग बैठे हैं वो सब मेरे शेयर होल्डर्स हैं. राइट, ओके, अज्यूमिंग कि आपके पास मेरी कंपनी के 10 शेयर हैं और मेरे मार्केट के और मेरे शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 50 रुपए. आपने पास 10 शेयर है, मार्केट का प्राइस चल रहा है 50 रुपए, यानी एक तरीके से कितने रुपए की वेल्थ हो गई आपके पास? 500 की वेल्थ हो गई मेरी कंपनी में. उसी तरीके से अगर किसी के पास 20 शेयर है मल्टीप्लाई 50, उनकी कितनी वेल्थ हो गई? 1000. ऐसे करके अगर आप सबकी वेल्थ जोड़ दी जाएगी तो वो ओवरऑल मार्केट वेल्थ ऑफ द कंपनी बन जाएगी, ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी बन जाएगा, ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी बन जाएगा. राइट, तो शॉर्टकट फॉर्मूला इसका क्या है? मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. राइट, मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स गिव्स अस मार्केट वैल्यू. ओके, सो मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसे मार्केट कैप भी कहते हैं. मार्केट कैप इज इक्वल टू मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, इसे ही कैलकुलेट करने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है. इसे ही कैलकुलेट करने का, यानी मार्केट कैप को ही कैलकुलेट करने का एक और दूसरा फॉर्मूला भी है. वो दूसरा फॉर्मूला है पीई रेशियो मल्टीप्लाई बाय ईएटी. पीई रेशियो मल्टीप्लाई बाय ईएटी. मार्केट कैप को ही कैलकुलेट करने का एक और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? पीई रेशियो मल्टीप्लाई बाय ईएटी. हम एक एग्जाम्पल करते हैं, दोनों फॉर्मूलाज लगाएंगे, आंसर सेम आने चाहिए, फिर हम देखेंगे आखिर दूसरा फॉर्मूला आया कैसे. ओके, एग्जाम्पल, लेट्स से विप्रो लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स, विप्रो लिमिटेड नाम की कंपनी, लेट्स से इनके नंबर ऑफ शेयर, सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम इनके कम शेयर्स ले रहे हैं, 10 लाख, 10 लाख शेयर्स हैं इनके. राइट, ओके, 10 लाख शेयर्स इनके आउटस्टैंडिंग है. ओके, इनके एक शेयर का मार्केट में दाम चल रहा है, लेट अस से 400 रुपए. एक शेयर का मार्केट में दाम कितना चल रहा है? 400 रुपए. मैं काम करूं, आपको जरा सा भी कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए 10 लाख को मैं 1 लाख शेयर लिख रहा हूं. 10 लाख को 1 लाख शेयर कर लो, आपके कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान हो जाएंगे. हमें कैलकुलेशन पर फोकस नहीं, हमें कंसेप्ट पर फोकस करना. ओके, मार्केट प्राइस है इनकी 400 रुपए. राइट, ओके,
और इस कंपनी का जो अर्निंग्स पर शेयर आता है, लेट अस से 20 रुपीज। अर्निंग्स पर शेयर कितना आता है? 20 रुपीज, राइट? ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन यूजिंग बोथ द अबव फॉर्मूलाज। हमें दोनों ही ऊपर वाले फॉर्मूलाज से क्या कैलकुलेट करना है? मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करना। फटाफट करेंगे दोस्तों इसे। आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है कितना? 400 लैक्स। 400 लैक्स आ रहा है आंसर? यस, 400 लैक्स। ओके, 400 लैक्स। ये जादुई नंबर आपने कैसे निकाल लिया यार? मार्केट प्राइस इज इक्वल, मार्केट कैप इज इक्वल टू मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यानी मार्केट प्राइस इज रुपीज 400 है ना, 400 रुपए ना मार्केट प्राइस, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज 1 लाख शेयर्स, है ना। थोड़ा सा काम मैंने आपका आसान कर दिया था, तो कितने 400 लाख रुपए आ गया इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, कितना आ रहा है? 400 लाख आ रहा है, राइट? ओके, फॉर दी सेक ऑफ सिंपलिसिटी हमने छोटे नंबर्स लिए, राउंड नंबर्स लिए। ओके, असली में तो मार्केट कैपिटलाइजेशन विप्रो का खूब सारा है, राइट? ओके, चल। और दूसरा दूसरा फॉर्मूला होता है पीई रेशियो मल्टीप्लाई बाय अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। ये वो दो चीजें जो आपको थोड़ी मेहनत से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पीई रेशियो यानी हम जानते हैं मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, यानी 400 डिवाइडेड बाय 20 इज 20 टाइम्स, राइट? तो पीई रेशियो आ रहा है 20 टाइम्स, और 20 टाइम्स को मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस से। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस पता नहीं कैसे निकल जाएगा, है ना, ईपीएस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू टोटल अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस, कितना? 20 लाख रुपए। ओके, तो ये आ जाएगा 20 लाख रुपीज, यानी आंसर कितना आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है क्या? 400 लैक्स। यस, सेम आंसर आ रहा है, कितना? 400 लैक्स, 400 लैक्स रुपीज आ रहा है, सेम आंसर, राइट? ओके, क्या आपको पता है कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ना, ये ज्यादा काम में आता है ना, 10 में से 9 क्वेश्चन में ये दूसरा वाला फॉर्मूला काम में आता है। नेचुरली अगर देखा जाए तो पहला वाला फॉर्मूला आपको क्लिक होता है, मार्केट कैप जब भी पूछते हैं तो पहला फॉर्मूला एक क्लिक होता है, लेकिन एमएनडे चैप्टर में स्पेशली कौन सा वाला फॉर्मूला ज्यादा काम में आता है? दूसरा वाला फॉर्मूला। आखिर ये दूसरा वाला फॉर्मूला आया कैसे दोस्तों? बहुत सिंपल है। ये है मार्केट प्राइस और ये है नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट प्राइस को अगर हम किससे डिवाइड कर दें? ईपीएस से, तो दोस्तों क्या आ जाता है? पी रेशियो। और आप इस फॉर्मूले में अगर एक बार किसी चीज से डिवाइड कर रहे तो आपको उसी चीज से वापस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मन से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई किससे कर दें, तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा? एंड हेंस दी फॉर्मूला, राइट? यानी वही अपन ने उसी फॉर्मूले को डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? ईपीएस से। तो डिवाइड इसमें कर दिया, मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, एंड हेंस वी गेट दिस फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? क्या क्लियर है सबको, राइट? ओके दोस्तों, ये हमारा बेसिक से रिलेटेड डिस्कशन कंप्लीट होता है। तीन एग्जाम्पल की जो मैंने बात कही थी आपको कि मैं बस आपको तीन एग्जाम्पल्स दूंगा, उससे 60% ऑफ द चैप्टर के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस हो गया, राइट? ओके, तो उन तीन एग्जाम्पल्स, वो जो तीन एग्जाम्पल्स है वो कोई ऐसे छोटे एग्जाम्पल नहीं कि एग्जाम्पल वन यहाँ लिख दिया, टू यहाँ लिख दिया, थ्री यहाँ लिख दिया और खत्म, चलो, नहीं। वो एक एक एग्जाम्पल ही काफी बड़ा है, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल है, ताकि जब आप रिवाइज करो ना, तो अगर क्वेश्चन आपको स्किप भी करना है आप कर दो, उस एग्जाम्पल को रिवाइज कर दो, एग्जाम्पल ही सफिशियंट है, राइट? ओके, तो एग्जाम्पल्स में क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम कल।